देर में, मतलब 11:30 लेक्चर लेते हैं सैर वाला। इसमें भी चालू कर दो। यप, मौर्यन आर्ट से हमारा बाकी था, हमने बाकी का उससे ऊपर वाला पोर्शन जो है हमने अच्छे से पढ़ा था, रिकॉर्डेड वर्जन में है, रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा आपको। अभी बाकी का पोर्शन है लाइव में देख लेते हैं, कल से इंग्लिश पढ़ेंगे ना, बेसिकली पॉसिबल हुआ तो शाम को ही इंग्लिश का कुछ कंटेंट चालू हो जाएगा। नहीं तो उधर के तक मौर्यन आर्ट स्तूपा क्या होता है जी, है ना, एंड जो अपने टॉपर्स हैं उनको जैसे मैंने बोला है वैसे आपको प्रिपरेशन चालू कर देंगे इंग्लिश की, ठीक है। स्तूपा जो है ओवल, मतलब समझते हो ओवल, हाँ राउंड, एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एक ओवल शेप कंस्ट्रक्शन है जिनके अंडर में मैं इधर खड़ा रहा हूं तो दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, ठीक है अभी विजिबल हो, ठीक है। स्तूपा जो होता है एक ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन है जिसके अंडर में है ना किसी के रिमेन्स रखे गए हैं, कौन है वो, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध बोल दो, इन अ बॉक्स, जो रिमेन्स है वो बॉक्स में रखे गए हैं, है ना। एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धास बॉडी, मतलब उनकी बॉडी के कुछ रिमेन्स कुछ भी रख दिया, ठीक है ना, वेर कैप्ड इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा, और उन्हीं को अब हम स्तूपा बोलेंगे। और ये नीचे जो आपको फोटो दिया गया है वो कौन सा है, सांची, द स्तूपा ऑफ सांची का फोटो है। ये आपको कहां पे मिल जाता है, कौन सी हमारी करेंसी की, कौन सी नोट, अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू याद दिलाने के लिए, 200 रुपए की जो नई नोट है ना, वैसे पुरानी नोट हुआ भी नहीं करती थी, 200 रुपए की नोट नई क्रिएट हुई है, नई मतलब एक दो साल से होगी, इतना याद नहीं है हमें, ठीक है। नाउ अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कितने फेमस स्तूपास है, पांच। यहां से इस सेक्शन में कुछ आता है मैचिंग आता है, ठीक है, तो मैचिंग में ऐसी लाइन तो आएगी नहीं, देर आर फाइव फेमस स्तूपास, हाउ मेनी स्तूपास आर देर, ऐसा आएगा नहीं, फेमस स्तूपास उधर है 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले तो स्तूपा ऑफ सांची याद रखेंगे, 200 रुपए के नोट के ऊपर है, फिर स्तूपा ऑफ सारनाथ, सारनाथ नो स्तूपा, स्तूपा ऑफ बैरत, ठीक है तीसरा वाला, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूपा ऑफ, ठीक है। इन पांचों में से एक कैसे आ सकता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड स्तूपा लिखा है उधर पे, पांचों में से एक ऑप्शन है शायद, रांची है, सांची है, ठीक है ना, कांची है, ठीक है, एक आध ऑप्शन एक्स्ट्रा रख दे तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बे बैरत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ, ठीक है, इन गुजरात हमारे पास पांच स्तूपा अवेलेबल है। स्तूपा ओवरऑल क्या होता है, एक ओवल शेप्ड है, एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच किसके, द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास, ठीक है, बॉडी वेयर कैप इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा, ठीक है, पांच स्तूपा है कुल मिला के, ठीक है ना। और ये स्तूपा जो थे बेसिकली वो किंग अशोका के टाइम पे बने गए थे, है ना। किंग अशोक का ऐसा था, आपने कभी किंग अशोक के बारे में जाना है कभी, एनी टाइम इन योर लाइफ, क्या थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, है ना, उन्होंने काफी सारी चीजें जीती, काफी सारे युद्ध किए, बहुत कुछ, जैसे हमें बताया गया है कि अकबर महान था, जिस स्टोरी को आपको बताते हैं कि ये मुगल्स महान थे, इतनी शिद्दत से, जितनी शिद्दत से ये सब मुस्लिमों के बारे में बताया जाता है, मुस्लिम रूलर्स के बारे में, इतनी शिद्दत से आपको हिंदू रूलर्स के बारे में नहीं बताया गया है। अब अकबर का इतिहास पढ़े, है ना, फिर आपको एक नेपोलियन था वो भी पूरी दुनिया जीतने निकला था, फिर दूसरा भी एक राजा था विदेशी, उनके बारे में आपको बताया जाता है। अशोक के बारे में जानिए, अशोक का इतिहास जानिए, वो कैसे टॉप तक पहुंचा और कितने युद्ध लड़े, कैसे लड़े, फिर एक दिन युद्ध के मैदान में, शायद कोई स्टोरी आपने पढ़ी होगी,
युद्ध के मैदान में जीतने के बाद निकला वो ऐसे महालने के लिए, देखने के लिए कि क्या हालात है, गर्व करने के लिए कि मैंने ये सब जीता है, विन किया है। तो नीचे बॉडीज पड़ी थी, सब मरे हुए पड़े थे, उनकी बीवियां रो रही थी, ऑल दोस थिंग्स, बड़ा दुखी माहौल था। वहां से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर बुद्ध का मार्ग अपना लिया है ना, शांति का मार्ग अपनाया। तो उसके बाद में उन्होंने युद्ध नहीं किए हैं। और अगर उनके टाइम पे ये सब कला का विकसित हुआ है, ये सब उन्होंने बनवाया है, तो वो उनके हृदय परिवर्तन का नतीजा है। उसके बाद में अशोक ने बहुत महान कार्य किए हैं, हमारे हिंदू सम्राट में हृदय सम्राट है वैसे तो। इन्होंने फिर वो पहले नंबर के चैप्टर में आपको वो स्टोन इंस्क्रिप्शन है ना फोटो, वो भी कहाँ, जूनागढ़ का स्टोन इंस्क्रिप्शन है, कहाँ का है पहले नंबर के चैप्टर में, शिला लेख कहाँ का है वो, वो शिला लेख है ना वो, हाँ वो अशोक का शिला लेख है, लेकिन कहाँ का है, जूनागढ़ का है, कहाँ का है, जूनागढ़ का है, जूनागढ़ का है ना स्टोन लिखा होगा, ठीक है। हाँ तो उन्होंने बहुत सारे लेवल पे काम किया था ऐसे ही। बिसाइड्स, आगे बढ़ते चौथी वाली लाइन में, बिसाइड्स इसके अलावा चैत्यास विहारास एंड मठ्स वेर कंस्ट्रक्टेड। किसी को याद है चैत्यास क्या होता था, विहारास क्या होता था और मठ्स क्या होता था? ऐसा नहीं होता था, देखो चैत्य होता है ना, चैत्य के अंदर या तो वो रहते थे और विहारा के जो साधु होते थे ना, ठीक है ना, जैन साधु, तो एक जगह पे वो रहते, एक जगह पे वो कुछ करते हैं, ठीक है ना, हम कंफर्म कर लेते हैं ना, सब कुछ याद रखना इतना पॉसिबल नहीं रहता है हमारे लिए। व्हाट इज दिस, कहाँ गया, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य पे वो लोग वर्शिप करते थे, एंड विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स, मतलब मॉन्क्स के रहने की जगह, विहारा उनकी रहने की जगह और चैत्य, सॉरी हाँ ठीक है, बोथ अर्ली चैत्यास एंड विहारा वर मेड बाय वुड्स एंड लेटर स्टोन कट चैत्यास एंड विहारास वर मेड। स्टार्टिंग में ये पहली बार वुड से बनाए गए थे, उसके बाद में स्टोन कट बनाए गए थे, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मठ, मिल जा बेटा, अभिदान चिंतावाणी चैत्य किधर है, आया चैत्य का है जहां पे वो लोग ध्यान करते थे, फोटो दिख जाए तो बता देना, ये चैत्य का फोटो से, ये विहारास का फोटो से, इंस्टीट्यूट या कॉलेज मठ, ठीक है, क्या होगा इंस्टीट्यूट और कॉलेज जहां पे वो लोग क्या करेंगे पढ़ाई, चलो ठीक है, इतना काफी है क्या, ये किधर है, आपने इंडिविजुअली सर्च किया है ना, किधर है, हाँ ठीक है, मठ्स अ काइंड ऑफ टेंपल जैसा लगता है, फाइन ऐसा है, कैसा है वो तो चाहिए ही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट MATH है, चलो ठीक है मठा लिख देते हैं, वो एक्चुअली इसलिए मैंने मठ नहीं लिखा, उससे आता भी नहीं, मठा, हाँ ये भी सही है,
नहीं वो सिंगल वर्ड्स अपने आपको वो मैक्स में हाँ यस तो ये भी है विकिपीडिया ये रहा टेम्पल जैसा लग रहा है काफी है मोर देन इनफ है काफी क्या ठीक है हमें काफी सारे लोग सुनते हैं देखते हैं मैम कल आए थे क्या हुआ अच्छा तो आपके स्कूल के अच्छे अच्छे लोग टीचर्स देखते हैं उनको पता ही पढ़ाता है एक मैम दूसरे मैम को बताती है ठीक है बढ़िया है इनको भी जानते सब फेमस है ठीक है द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट रिलीजन के फैलाव के लिए अगर कोई गोल्डन पीरियड था वो राजा अशोक का था उसका मैंने शुरुआत बता दिया वो क्यों इतना फैला हुआ फिर धीरे धीरे बुद्धिस्ट है ऐसा नहीं है कि इंडिया में बुद्धिस्ट नहीं है बहुत है लेकिन उसका फैलावा नहीं होता है फिर समझ रहे हो जैसे हम बोले कि हमने बुद्धिस्ट धर्म को अंगीकार किया जैसे स्वामीनारायण है अभी पिछले कुछ मैं जब से 18-20 साल का था तब से स्वामीनारायण का गोल्डन ईयर गोल्डन पीरियड चल रहा है ये सब समुदाय अभी बेसिकली आर हिंदूस ठीक है ना लेकिन फिर वो पंथ अलग अलग पड़ जाते हैं तो स्वामीनारायण का गोल्डन पीरियड चल रहा है सबको कि स्वामीनारायण को मानो पैसा मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा मतलब आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी ना वो नाम का महिमा होता है एट द सेम टाइम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लिए भी एक गोल्डन पीरियड था अशोका सम्राट अशोका का फिर एट द सेम टाइम उसके बाद में धीरे धीरे ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वो मतलब वो रिवर्स चल रहा था ना क्या चलता था वो BCE बिफोर क्राइस्ट एरा उसके बाद में AD आया और धीरे 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 फिर वो एक गुप्ता शासन हिस्ट्री इतना याद नहीं रहता हिस्ट्री हमें ठीक है ना मैथमेटिक्स साइंस है तो अलग बात है अकाउंट है तो अलग बात है फिर भी ठीक है फिर मुगल्स आए तो मुगल्स ने तो क्या किया हमारी चीज़ें तोड़ा उसके ऊपर उन्होंने अपना कुल मिला के मस्जिद बनाया और लाइव बोल रहे देखो बुद्धिस्ट रिलीजन हैज़ गिफ्टेड केव्स बुद्धिस्ट रिलीजन ने हमें क्या क्या दिया गुफाएं भी दी विहारास चैत्यास एंड स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर जो बुद्ध धर्म है उसने हमें क्या क्या दिया गिफ्ट में केव्स दिया विहारास दिया चैत्यास दिया स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर अब हमें ये लोग क्या बताना चाहते हैं सांची के स्तूपा के बारे में मुझे ये बताओ आपके जो नेक्स्ट पेज है ना आपका नेक्स्ट पेज ठीक है वहां पे लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा बताया गया है हाँ। है ना अब मुझे बताओ हार्मी का क्या है आजो द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा हां ये देखो ये जो ओवल शेप स्तूपा है ना उसके ऊपर ये है ना इसी को हम हार्मी का बोलेंगे रीडेबल है क्या अमन वो उसके अंदर रीडेबल है क्या है ना समझ रहे हो नाउ जो मेठी है मेठी मेठी कहां पे होगा मुझे बताओ ये वाला जहां पे आप परिक्रमा कर सकते हो और परिक्रमा जो होती है ना आपको मैं बता दूं परिक्रमा यहां पे जैसे लिखा है हार्मिका के बारे में लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा पढ़ रहे हैं हम वेरी नेक्स्ट पेज पे गए हैं पेज नंबर प्लीज 21 अच्छा 21 नंबर के पेज पे एक मिनट हाँ सॉरी हम लीनियर जो 21 नंबर के पेज पे लीनियर स्केच ऑफ दिया गया है हार्मिका क्या है द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड हार्मिका सो ये दिस इज व्हाट वी कैन कॉल हार्मिका है ना उसके बाद में एलिवेटेड सर्कुलर पाथ एलिवेटेड मतलब जो बाहर की निकल साइड पे निकल सर्कुलर पाथ है अराउंड स्तूपा इज नोन एज मेधी विच इज यूज फॉर प्रदक्षिणा अभी प्रदक्षिणा आपको ऐसे करनी है जैसे कि हमेशा मंदिर राइट हैंड साइड पे रहे तो वो कैसा होगा मतलब क्लॉकवाइज करनी है अगर आप क्लॉकवाइज करोगे यहां पे है तो क्लॉकवाइज करोगे तो आपका राइट हैंड हमेशा और अगर हाँ क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे
तो हमेशा मंदिर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, कोई डाउट है? तो आपको हमेशा प्रदक्षिणा आप देखना, कोई भी मंदिर में जाओगे ना, अगर आप स्तूपासन सीधा मंदिर में चले गए, अगर कोई भी मंदिर में जाओगे तो आप प्रदक्षिणा क्लॉकवाइज करते हो, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से निकलते हो, याद है आपको? ठीक है, ठीक है। तोरण क्या है? दिस इज व्हाट वी कैन कॉल तोरण। पता था? पता है? तोरण मीन्स अ गेट वे दैट इज बिल्ड ऑन टू हाई पिलर्स विद आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट। द डिवोटीज यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस, ठीक है ना। और बेसिकली कभी कभी ये छोटा होना जरूरी होता है कि हम झुक के जाए। आपका गेट मेजोरिटी काफी सारे जो पुराने मंदिर है ना, उसका गेट हमेशा, आपको पुराने मंदिर की बात कर रहा हूं, है ना, जो फेमस मंदिर है उनका गेट कभी कभी छोटा होता है। उसका रीजन होता है कितना भी बड़ा आदमी हो वो झुक के जाए, सॉरी झुकना ही पड़ता है। फिर आपको बताऊ, मैंने कुछ बच्चों को बताया था, आपके जो मम्मी पापा होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, वो हमेशा मंदिर में जाने से पहले वो पगथी होते हैं ना स्टेज, उसको छू के जाते हैं। क्यों छू के जाते हैं? अच्छा बताओ जोशी, ब्राह्मण हो, पूछना चाहिए कभी कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना। जैसे हम वो साइंस के एक दो चैप्टर पढ़ाते हैं, वहां पर कैसी क्यूरियोसिटी आ जाती है, सर ये क्या होता है। जो बच्चा पूरे साल कभी सवाल नहीं पूछता ना, वो दो चैप्टर में सवाल पूछ लेता है, समझ रहे हो, क्यूरियोसिटी की भी हद हो जाती है। हाँ ब्राह्मण हो, आप भी ब्राह्मण हो, भगवान के पास ही पगथिया लेते जाता। मैंने ही बताया था, ठीक है, वो नहीं बोलना था फिर दूसरे किसी को। वो स्टेप्स होते हैं ना स्टेयर्स, वो आपको एक्चुअली भगवान तक पहुंचने में वही मदद करते हैं, तो उनके पैर छूना बनता है। ठीक है, कोई डाउट है ब्राह्मण जी? मैं पढ़ाऊँ? ठीक है। अच्छा, हमने वो जो लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा। अच्छा, एनर्जी मेरा डाउन नहीं है, मैं थोड़ा एनर्जी बचा के चल रहा हूँ, ठीक है, कैन वी मूव ऑन। एनर्जी मेरा डाउन नहीं है, मैं बच बच के चल रहा हूँ। स्तूपा ऑफ सांची, द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, कोई डाउट नहीं है, है ना। ये अशोक जो है, अशोका द सम्राट अशोक, उनको सम्राट बोला जाता है। क्यों सम्राट बोला जाता है वो आपके स्टडी में नहीं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, फिर ये भी सम्राट अशोक है, वो भी चक्रवर्ती राजा थे, ये सब वर्ड। फिर आपने कभी किसी राजा महाराजा का अगर आइडल समझते हो, आपने किसी रास्ते के ऊपर, चौराहे के ऊपर किसी राजा महाराजा का आइडल है, तो उसके वो घोड़े के ऊपर होता है, तो वो घोड़े के ऊपर होता है, तो कभी कभी घोड़े के दोनों चारों पैर नीचे है, कभी एक पैर नीचे है, कभी दोनों पैर ऊपर है, ये इनका इतिहास पूरा अलग अलग होता है, है ना। क्या, सॉरी नहीं, वो इतना डिटेलिंग मुझे याद नहीं है, एक बार आप स्टडी करोगे तो, याद नहीं है, पढ़ा हुआ हूं मैं। अगर दोनों पैर ऊपर है तो शायद वो वीरगति पामा था युद्ध के दौरान, है ना, आप समझ रहे हो। वो एक पैर ऊपर, वो मतलब सबकी स्टोरी अलग अलग है। और वो जैसे चेतक घोड़ा था ना, क्या नाम था, चेतक, किनका था वो, महाराणा प्रताप का था, जैसे महाराणा प्रताप का चेतक के साथ है ना, तो वो लेफ्ट वाला ऊपर होगा, हमेशा देखना महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसका मतलब वो शायद युद्ध के दौरान वीरगति पाम। हम आगे बढ़े, क्या हुआ, हम आगे बढ़े। अच्छा, द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। अशोक कौन थे ये मुझे कोई बता सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य से उनका क्या रिलेशन था, क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? देखो, सबसे पहले अगर राजा है तो वो किसी का गुरु नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य हिमसेल्फ वॉज राजा, किंग। उनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे पता है आपको? चाणक्य। चाणक्य खुद राजा बन सकते थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला ब्राह्मण कभी राज नहीं करते, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ठीक है,
अब अशोका कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? क्या ना कोई चांस नहीं, उनके लड़के थे, उनके लड़के के लड़के थे, उनके चाचा के लड़के थे, ऐसा याद नहीं आ रहा क्या बात है। द स्तूपा ऑफ सांची वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन है मध्य प्रदेश से? कौन? चंद्रगुप्त? चाणक्य तो गुरु ही थे। वी आर टॉकिंग अबाउट अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य जेसन। ग्रैंडसन, वो उनका लड़के का लड़का था और वो भी उनके पापा एक्सपायर हो चुके थे, उनके पापा एक्सपायर हो चुके थे। बहुत बड़ा हिस्ट्री है और उसके बाद में भी वो राजा बने, वो पावरफुल थे इसलिए राजा बने। बिंदुसारा के बेटे थे, उनके अशोक के पापा एक्सपायर हो चुके थे। ठीक है, कोई ना। द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, किससे बना हुआ बेटा? ब्रिक्स से बना हुआ है। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। जब वो पहले बनाया गया वो प्रेजेंट स्तूपा से कैसा था? आधा था। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। जो ये प्रूफ एकदम, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो ये डिफॉल्ट वाला लाइन है, पता है ना, मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं बोलता हूं डिफॉल्ट वाला लाइन है। द बुद्धिस्ट स्तूपा, दिस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्ट ऑफ म्यूजिक नहीं है ये, आपको पहले ये पता होना चाहिए दिस इज आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो उसका एक एकदम बेनमून नमूना है, हम क्या बोलते हैं? बेनमून नमूना है, एकदम प्रीशियस स्पेसिमेन है, उसका इंग्लिश ऐसा होता है। फिर आपने लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा के बारे में हमने, और इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप गूगल करोगे तो डिटेलिंग में ज्यादा जानने को मिलेगा, बट इट इज एब्सोल्युटली नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी। पिलर इंस्क्रिप्शन, तो सम्राट अशोक के नाम पे टाइम पे बहुत सारा स्टोन इंस्क्रिप्शन भी हुआ। स्टोन इंस्क्रिप्शन का पहले वाला नमूना आपका एक नमूना पहले नंबर के चैप्टर में है, ठीक है ना, जूनागढ़ में अशोक का स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब लिखावट, इंस्क्रिप्शन, कोई डाउट है? और वो कितने पत्थर पे? एक ही पत्थर पे। ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर मेड फ्रॉम द सिंगल रॉक। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द एम्परर अशोका, यानी रिलीज जो एम्परर सम्राट अशोक थे उनके धार्मिक ऑर्डर के ऊपर ये सब काम हुआ था। कोई डाउट है? स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर कार्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द एम्परर अशोका आर द बेस्ट। अगर उसकी चर्चा कर रहे हैं, एनग्रेविंग समझते हो, स्टोन के ऊपर एनग्रेवमेंट करना, एनग्रेविंग करना, तो अगेन दिस इज आप इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए ये चीजें। हालांकि डिफॉल्ट लाइन है, कैसा लाइन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक कला है वो एक एंग्रेविंग ऑन स्टोन है। तो अगेन इट इज अ बेस्ट स्पेसिमेन। कैसा स्पेसिमेन? बेनमून नमूना है। क्या है? बेनमून नमूना है, लेकिन कैसा? ऑफ एंग्रेविंग ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर कुछ भी कला करने का एक बेनमून नमूना है, आपको ये पता होना चाहिए। अगेन मैं फिर से पिल्लर इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्टोन इंस्क्रिप्शन वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। Stone inscriptions carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. They were polished so well that they gleamed. इतनी solid polish की जाती थी, जैसे अगर आप पहले chapter का वो photo देखो, पहले chapter में जो photo है इतना distorted photo है, फिर भी आपको ऐसा लगता है हल्का सा sign मार रहा है, ऐसा लगता है ना, distorted photo है, distorted। यहां पे तो फिर भी ऊपर नीचे लगेगा, हमारे लैपटॉप में उसका फोटो देख लेना। डिस्टोर्टेड फोटो मतलब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो फोटो होता है ना, हाई क्वालिटी फोटो नहीं होते है एकदम, फिर भी आपको ऐसा लगता है वो साइन मार रहा है। तो उसके ऊपर दे वेर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लिम्ड, साइन होना, आपको ये चैप्टर नहीं करना है, मैथ्स कर सकते हैं, नो फोर्स, आपको पता है हमारी स्टोरी। वो सो एवर जो उसको ऑप्शन में निकालना है वो ना पढ़े तो अच्छा है।
सच पिलर्स वेर इरेक्टेड इन अंबाला. अंबाला मेरे हिसाब से हरियाणा में आया, चेक करो तो. मेरठ, मेरठ तो वही पे आया ना, यूपी, यूपी के राजस्थान. मेरूट है ये शायद, देखो एक बार कंफर्म करो, याद रहेगा. अलाहाबाद मेरी, सॉरी, नॉर्दर्न हरियाणा, अंबाला हमारे वहां पे. इससे पहले अभी जो बीजेपी के है ना खट्टर, मेरठ यूपी में, ठीक है ना. अंबाला, अंबाला, अंबाला की स्टोरी बताता हूँ. जैसे हमारी सुषमा स्वराज, श्री लेट सुषमा स्वराज एक्सपायर्ड हो गई, हमारी विदेश मंत्री थी. उससे पहले हरियाणा में अभी मनोहर लाल खट्टर की गवर्नमेंट है, उनसे पहले मुझे अब याद नहीं आएगा किनका था, सीएम थे वो, उनके लड़के लोकसभा पार्लियामेंट में थे. तो उन्होंने बोला कि हमारे हरियाणा के फार्मर्स अब तो के कुछ लेके आया कि बैंगन ऐसे इतने बड़े बड़े उगाते हैं, समझ रहे हो. वो कुछ बोला, मतलब कौन से ऊपर पे चर्चा कर रहा था तो पता नहीं, तो सुषमा स्वराज जी को गुस्सा आया. सुषमा स्वराज जी ने बोला कि मैं भी अंबाला से बिलोंग करती हूँ, मेरा ससुराल है, ऐसा कुछ बोला उसने, कि मेरे को भी अंबाला आना जाना रहता है. वो स्पीच, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना स्पीच, आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि संसद में जो भी कार्यवाही होती है वो रिकॉर्डेड होती है. तो ने बोला आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता है, वो कुछ लौकी या उसके साथ कंपेयर कर रहे थे उसको, कि लौकी बड़ी होती है, वो फिर क्या आता है इनका, ककड़ी, ककड़ी और लौकी का डिफरेंस नहीं पता है, कि वो उसको मतलब सब कुछ दो दो तीन तीन फुट का उगा लेना था. वो था ना कि हमारे अंबाला में तो ये होता है वो होता है. तो अंबाला, इसलिए मेरे को अभी भी अंबाला याद है, जब भी अंबाला का नाम आता है ना तो हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा में आया हुआ है. मेरठ यूपी में आया हुआ है. अलाहाबाद बहन को रखने जाना है, जाके अलाहाबाद मेरे हिसाब से यूपी में ही है. सारनाथ मेरे हिसाब से गुजरात में होगा. सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना. काशी तो पूरे गांव को पता होता है कहां पे आए, काशी विश्वनाथ, पटना, बिहार. एंड बोधिवृक्षा, बोधिवृक्षा नियर बोध गया, ठीक है, वेरी गुड. देवर कार्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ये स्क्रिप्ट कौन सी है, है ना, इंग्लिश में लिखा गया था, इंडिया में इंग्लिश पैदा नहीं हुआ था, समझ रहे हो, इंडिया में इंग्लिश पैदा नहीं हुआ था, ठीक है. पिल्लर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन वर मेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक. स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्ड आउट बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका, ठीक है ना. एंड दिस आर द बेस स्पेसिमेन ऑफ स्टोन एंग्रेविंग. अशोका, ओके फाइन, ठीक है ना, हो गया. देवर इतना अच्छा पॉलिशिंग किया गया था कि वो ग्लीम करते थे, ग्लीम मतलब साइन करना. सच पिलर्स वेर इरेक्टेड, इरेक्ट मतलब समझते हो ना, सॉरी, हाँ ठीक है. इरेक्टेड इन अंबाला, मेरठ, अलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, ठीक है. एंड बोधिवृक्षा, बोधिवृक्ष है ना, बोध गया में, ठीक है. देवर कार्ड आउट इन ब्राह्मी, ठीक है. अब पिल्लर इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो सारनाथ का जो फेमस है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं. द स्टोन इंस्क्रिप्शन इन सारनाथ इज द बेस्ट नमूना ऑफ स्कल्पचर. डिफॉल्ट लाइन है ना, डिफॉल्ट लाइन है. द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर. द पिल्लर, ऑब्वियसली ये भी डिफॉल्ट लाइन है, पता है सबको. यहाँ पे चार, कुछ लोग बोलते हैं सर तीन ही लायंस है, चार है. हम थ्री डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं. कैसी दुनिया में, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है हमारा, हमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता उस तरफ पे जाके देखना, ठीक है ना. वैसे उतना डिटेलिंग अभी करना नहीं है, फोर डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल में, ठीक है. द पिल्लर हैज फोर लायंस फेसिंग फोर डायरेक्शन, चारों दिशा को फेस करते हुए फोर लायंस है. सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ, प्रीचिंग मतलब पता है आपको क्या, वो ऐसे बोलने बैठते हैं ना साधु लोग, ऐसे ऐसे करके बोलने बैठते हैं, नहीं मेडिटेशन नहीं बोलते हैं ना, वो उनके सामने शिष्य बैठे हैं
और शिक्षा दे रहे होते हैं, प्रीच करते हैं, सिखाते हैं पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो सारनाथ नहीं पता चला प्रीचिंग प्लेस यहां है, आर यू श्योर? ठीक है, सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा धर्म चक्रासार कॉर्ड बिलो द लायन। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे धर्म चक्रास है, यहां पे ना ये जो लायन है उसके नीचे क्या है, धर्म चक्रास है, ठीक है ना। अच्छा फाइन, किधर है हम? सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा धर्म चक्रासार कॉर्ड बिलो द लायन, धर्म का चक्र है तो लायन के जो फेस है उसके नीचे धर्म चक्र को कार्व की किया गया है। कार्विंग है ये बेटा, क्या है, फोटो नहीं है, कार्विंग है, और वो भी पत्थर के ऊपर। हमारे पूर्वज कितने महान थे। दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायंफ ऑफ रीजन, धर्म की जीत, ठीक है। ये चक्र क्या है, धर्म चक्र है, मतलब ये दिखाते हैं कि धर्म हमेशा जीतता है। That is why it is called Dharma Chakra. इसीलिए उसको धर्म चक्र बोला जाता है। Apart from this, it has sculpture of elephant. और काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे ये जो नीचे है वहां पे एक elephant भी होता है, horse भी होता है, bullock भी होता है। ध्यान से देखना पड़ता है और वहां पर जाके देखना पड़ता है या तो गूगल पे कोई अच्छी वाली इमेज देखना पड़ता है। यहाँ पे नीचे ये जो धर्म चक्र है ना उसके साथ साथ है, ठीक है ना। शायद चार है, एक यहाँ पे कमी है, एलिफेंट हॉर्स बुलॉक के साथ और कुछ भी है, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। भारत का जो हमारा ध्वज है ना, उसके अंदर भी इस चक्र को, ये जो चक्र है ना, बीच में चक्र है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। इमेजेस ऑफ फोर लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्बलम। फोर लायंस है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये स्कल्पचर का बेनमून नमूना है, ठीक है। पिल्लर से सारनाथ हम रिपीट करना पसंद करेंगे। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर, एनी डाउट्स? द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। 15 मार्च को आपका एसएस का पेपर है, है ना, प्रिपरेशन अच्छी ही जा रही होगी। द पिल्लर हैज फोर लायंस फेसिंग फोर डायरेक्शंस। कहाँ पे? हाँ आपकी बुक में है, इधर पे है। वो चौथा क्या है, नहीं ये इतना लिखना है, काफी है। आज किसी को हमारे जो एसएस के बोर्ड के पेपर है ना, कुछ वो शायद 20 के बाद के जितने भी पेपर है, यानी 20-21, एक साल तो एग्जाम हुई नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे भी आपको रिपीटर्स के पेपर मिल जाएंगे। वो सब का एक बना के उसका सब ए सेक्शन का एक वीडियो बनाना है। कौन बना लेगा उसको, पढ़ रहा डिस्टर्ब होना है कि नहीं होना है? क्या सारे पेपर्स एसएस के बोर्ड के स्कट करते आधे घंटे में बंद कर देते हो, शांति से पूरा 24 24 24 16 16 शांति से। अभी हम ये करते हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द एकदम बेनमून नमूना ऑफ स्कल्पचर। द पिल्लर हैज फोर लायंस फेसिंग फोर डायरेक्शंस। वो क्यों नहीं आया बादल? नहीं मतलब आया क्यों नहीं? 8 8 और 6 14 14 15 लोगे, ठीक है कोई ना। The pillar has four lions facing four directions. सारनाथ preaching place of Lord Buddha. Lord Buddha का एक preaching place था। Dharma chakra are carved out below lions image. This chakra indicates triumph of religion. Dharma ki jeet. That is why it is called Dharma chakra. Apart from this, it has sculpture of elephant, bullock. This chakra
Okay, this chakra has been placed in the national flag of Republic India. Images of four lions have been placed as our national emblem. This is considered to be one of the best specimens of sculpture. कौन inscriptions की बात कर लेते हैं? है ना? ठीक है? Fine. Stone inscription. Stone inscriptions carved by religious orders of ये पहली बार ऑलरेडी एक लाइन आ चुकी है ऊपर है ना स्टोन इंस्क्रिप्शंस वेर कार्ड आउट बाय रिलीजियस ऑर्डर बाय अशोका एम्परर अशोका ठीक है आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन ये पूरा का पूरा लाइन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है एनी डाउट्स वुडन आर्ट वुडन आर्ट पहले के जमाने में वुडन आर्ट भी हुआ करता था स्टोन स्कल्पटिंग सो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर देखो वुडन आर्ट को आर्किटेक्चर में इसलिए लिया गया है पहले के जमाने के अगर आप पुराने घर देख लो तो उनके पिलर्स लकड़े के हुआ करते थे है ना आज की तारीख में भी किसी चौल में पुराने अहमदाबाद की भी कोई पुरानी चाल में चले जाओ तो लकड़े के बेस हुआ करते थे इवन वो ऐसे वो ये क्या बोलते ये भी लकड़े का फिर उसके ऊपर वो छोटा सा रूम बना के वो रहते थे देखा है क्या फिर उसके वो रूम के ऊपर फिर पतरे होंगे कैन वी मूव ऑन Wooden art, stone sculpting, so an excellent specimen of art of architecture, along with erection of pillars of wood and stone, beautiful archis engraved on the door, which stresses religious behavior. है ना? क्या पता चला? Wooden art, ठीक है? एक second ना bro. ठीक है वुडन आर्ट व्हाट फॉर थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ता है ये वाला लाइन फिर से ले लेते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्ड आउट बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एंग्रेविंग ऑफ स्टोन नाउ वुडन आर्ट देखो समझो पहले ये जैसे हमारे पास ऐसे एक लकड़ा है एकदम पीस ऑफ काइंड ऑफ अ हार्ड वो क्यूब जैसा समझो अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ कार्विंग करता हूं ऐसे और उसका एक छवि सी उपसा लेता हूं दैट इज व्हाट आई विल कॉल इरेक्शन है ना समझ रहे हो जैसे ऐसे इधर से साइड साइड से काट रहा हूं काट रहा हूं काट रहा हूं और कुछ उपस के आ रहा है बाहर की तरफ कुछ आ रहा है आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं ऐसे बॉर्डर से काट रहा हूं 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 और साइड से काटता जाऊंगा तो बाहर आएगा ना एक काइंड ऑफ इमेज जैसे गणपति का आपने देखा होगा कोई के पीछे की साइड पे एक कुछ समथिंग लाइक वो और गणपति बाहर की तरफ है वो लकड़े से अटैच रहते हैं देखा ही होगा यू मस्ट हैव सीन ठीक है ना तो वुडन आर्ट स्टोन स्कल्पिंग्स वन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ एन आर्किटेक्चर अलोंग विथ इरेक्शन ऑफ पिलर्स ऑफ वुड बाहर आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ठीक है ना एंड स्टोन ये समझ गए ना इरेक्शन ऑफ पिलर्स ऑफ wood and stone beautiful archies are engraved on the door apne kisi purane zamane ke lakde ke wo door ke upar bhi chale jao to wahan pe bhi aise bahar ki taraf wo kuch na kuch nikla hua hota hai theek hai which stresses religious behavior wo bhagwan ka hi hota hai jo bhi hota hai to wo ek religious behavior darshata hai repeat karta hu main along with erections of pillars of wood and stone along with erections of pillars of wood and stone beautiful archies are engraved on the door darwaze ke upar bhi kafi sara acha kaam kaaj kiya gaya hota hai jo kya darshata hai ki dharmik behavior darshata hai such stone inscriptions have been found from peshawar peshawar pakistan mein aaya hai kahan pe aaya hai pakistan mein aaya hai to aise jo pattharon ke upar ye jo inscription kiya gaya hai wo hame kahan pe mil jata hai पेशावर में मिल जाता है देहरादून आपको पता है देहरादून कहां पे है बंगाल के साइड हाँ तो चलो ठीक है उत्तराखंड फिर ठाणे पता है कहां पे है मुंबई मुंबई मतलब महाराष्ट्र मुंबई मतलब महाराष्ट्र नहीं मतलब महाराष्ट्र में है ठाणे मुंबई फिर धौली ये नहीं पता कहां पे है जोगाड़ा ओडिशा में आया है और चेन्नई चेन्नई में आया है
एनी डाउट्स? नहीं है. सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस आर, चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे पता है आपको, अभी भी काफी सारे होटल्स है जहाँ पे साउथ इंडियन होटल्स होते हैं ना, उनका नाम अभी भी मद्रास कैफे होता है. मजा आता है वहां पे डोसा खाने का, अलग मजा आता है. पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, डौली, जौगाड़ा, चेन्नई. सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुट हिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात. जब घूमने में मजा आता है और ऐसे आपको स्टोन इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी देख लिया. फुट हिल्स क्या होता है, देखो अगर कोई भी ऐसे माउंटेन है ना, तो ये माउंटेन है समझ लो, तो यहाँ पे जो पोर्शन है ना इसको फुट हिल्स बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? फुट हिल्स. तो सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन, ऐसे प्रकार के स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुट हिल ऑफ गिरनार माउंटेन, गिरनार माउंटेन ऑन द वे गुजरात. आपको ये पता होना चाहिए गिरनार, गिरनार में कई परिक्रमा था रुद्र, लीली परिक्रमा कहना था, जानना जरूरी है, ये धार्मिक चीज है. बहुत गिरदी होती है, हार्ड है कि इजी है? हद से ज्यादा हार्ड है. गया है कभी लीली परिक्रमा करने? बाहर आ गया. गिरनार में लीली परिक्रमा होती है, थोड़ा ही गया था. कैसा गया था? सॉरी, तो गिरनार बहुत ऊंचा है, जंगल के अंदर है वो, बड़ी लंबी है ना, लंबी है ना. और मैं भी मतलब कुछ कितने 700-800 स्टेप के बाद मैं भी नीचे आ गया था. और मेरे पापा और मम्मी तो एजेड थे, तो बनता ही नहीं था कि हम जाए. ये तो मम्मी पापा नीचे बैठे थे, काफ़ी टाइम हुआ, और मैं और मेरी बहनें और मेरा भाई, हम लोग ऐसे चलते चलते थोड़े थोड़े ऊपर गए, फिर थक गए तो नीचे आ गए. और ऐसे जब भी आप ऐसी जगह पे चढ़ते हो ना, तो आप चढ़ रहे हो ना, तो समवन इज कमिंग डाउन स्टेयर, और उनके हाथ में लाठी होती है. वो क्यों होती है? एक्चुअली कभी भी ऐसे रिलीज जगह पर जा रहा, तो चढ़ना एक्चुअली आसान होता है. हमें लगता है चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है. नहीं, जब आप नीचे उतर रहे हो ना, तो आपके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, और वो ऐसे लगता है जल्दी जल्दी उतरे, तो पैर लसर गया, और लसर गया तो फिर लसर ही गया. नीचे तक लसर गया. तो उतरना एकदम शांति से पड़ना है. हम अंबाजी भी गए थे पता है, तो अंबाजी में भी, और उतरने के लिए देखो, चढ़ने के लिए स्टेप अलग होते हैं, लेकिन उतरने के लिए क्या होता है, 1-2-3 कुछ 10 स्टेप है, उसके बाद में ऐसी जगह रखते हैं वो लोग. उतरने के वक्त आप ऐसा सोचते हो, इन लोगों ने ये जगह क्यों रखी है, हैं? हाँ, मतलब थोड़े थोड़े स्टेप होंगे, फिर ऐसे ऐसी जगह होगी, थोड़ा चलोगे फिर वापस ऐसे होगा, फिर वापस ऐसे चलने की जगह होगी, तो चलता रहता है. कैन वी मूव ऑन? अच्छा, सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुट हिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात. ठीक है. अदर देन दिस, पालीताना, पालीताना में जैन टेम्पल्स है ना, पालीताना जो है वहां पे जैन टेम्पल्स है. ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, वापस जैन टेम्पल 1847 एडी ऑफ हाथीसी इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेजेस. ठीक है, इसके आगे स्टोन इंस्क्रिप्शन है. चलो तो फिर से एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो आपको, हाँ आपको याद सा हो जाए, बाजू में अगर 12th वाले आए तो उनको बोलना थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूँ मैं. स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ, स्टोन इंस्क्रिप्शंस आर कितने हैं, कितने लोग हैं? सीरियसली? वाओ. स्टोन इंस्क्रिप्शंस, stone inscriptions carved by religious orders of Emperor Ashoka are the best specimens of engraving on stone. Wooden art, stone sculpting, so an excellent specimen of art of architecture, along with erection of pillars of wood and stone. Beautiful arches are engraved. Arches, बोल दो. Are engraved on the door, which stresses religious behavior. क्या दर्शाता है वो? धार्मिक behavior दर्शाता है. Such stone inscriptions have been found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dhauli, Jaugada, Odisha and Chennai, etc.
Such type of stone inscription has been found from the foothill of Girnar Mountain on the way to the Junagadh in Gujarat. Other than these, Palitana Jain temples on Shatrunjay Mountain in Gujarat, Jain temple 1847 AD of Hathisi in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language. Dravid style of art in South India. Chalo. साउथ इंडिया में यार आपको पता है साउथ के पिक्चर जब देखते हो तो मंदिर देख के मजा नहीं आता है, है ना? ऐसा लगता है यार क्या ही मतलब स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास, हम स्तूपास के बारे में बात कर रहे हैं. मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वर बिल्ट इन द रीजियंस नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. अब साउथ में जाओगे तो आपको गंगा थोड़ी ना मिलेगी, कृष्णा और गोदावरी मिलेगी, ठीक है ना? कावेरी भी मिल जाएगी जिसके पानी के लिए ये लोग झगड़ते रहते हैं, ठीक है ना? कर्नाटका एंड केरला दोनों स्टेट का सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलता रहता है इन लोगों का, समझ रहे हो? पानी के लिए झगड़ते. देखो ह्यूमन रेस, हमारी प्रजाति कहां तक आ चुकी है. हमें जो फ्री में मिला है, फ्री में ही बोले है ना, जो लैंड है नेचर ने हमें फ्री में दिया है उसके लिए हम झगड़ते हैं. फिर जो पानी है वो हमें फ्री में मिला उसके लिए झगड़ते. खुदा ना खास्ता कुछ पहला ऐसी बासा हो जाए कि हम हवा के लिए भी झगड़ने लगे, ए ये हवा मेरे को लेने दे, वो हवा तू ले. हो ऐसा इंसान है, क्या ही कर सकते हैं हम. मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वेर बिल्ड इन द रीजियंस नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सत्वाहन किंग्स. कौन ये मतलब उनका पूरा डायनेस्टी बता रहा है, सब राजा के वो जो पर्टिकुलर राजा थे उनके वक्त के बारे में बता रहे हैं. देवर ऑफ सेमी सर्कल ओवल एंड बेल शेप्ड. वो कैसे शेप में थे? सेमी सर्कल ओवल एंड बेल शेप के थे. कोई डाउट है? ओवल नहीं पता है? नहीं पता है ओवल क्या होता है? अंडा से. आपको अभी छुट्टी नहीं मारनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं माननी है. अच्छा 49 मिनट से शुरू रहा. कोई ना, सेकेंड न्यू आइडिया. कैसा आइडिया? न्यू आइडिया. मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वेर बिल्ड इन द रीजियंस नियर कृष्णा एंड गोदावरी. कावेरी का मैंने नाम लिया था लेकिन कावेरी को यहां पे कुछ लेन देन नहीं है. और ये किसके कार्यकाल में बनाया गया था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ स्वतहन सत्वाहन किंग्स, किंग्स उनके वक्त में. देवर ऑफ सेमी सर्कल, वो कैसे थे? सेमी सर्कल थे. सेमी सर्कल मतलब आधा. ओवल एंड बेल शेप, वेरी गुड. स्तूपा इन नागार्जुन द कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट. ठीक है ना? नागार्जुन कोंडा स्पेलिंग सही है, देख लेना एक बार. Kola kings adopted Dravid style of architecture up to the great extent. जो Kola king थे, चोला बोलते कुछ लोग उसको, है ना? तो जो चोला kings थे, उन लोगों ने Dravidian styles of architecture को हद से ज्यादा adopt किया था. सही के ओ एन डी है ना, नागार्जुन का कौन. चलो ठीक है, आप भी करेक्ट कर लेना है ना बेटा. इट इज नॉट कोंडा, इट इज कोंडा. हम आगे बढ़े.
यप रिपीट करने की जरूरत है? श्योर मेनी बुद्धिस्ट स्तूपास वर बिल्ड इन द रीजंस नियर कृष्णा एंड गोदावरी. कृष्णा एंड गोदावरी कावेरी नहीं है, वो मैंने जस्ट एक रेफरेंस लिया था, है ना. कृष्णा एंड गोदावरी एंड वो कौन से किसके स्पेलिंग सर्च करो. ड्यूरिंग द रीन ऑफ सत्वाहन किंग्स देवर ऑफ सेमी सर्कल. ऑब्वियसली स्तूपा थे तो क्या थे, सेमी सर्कल थे, ओवल एंड बेल शेप थे. स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है आर्ट. कोला किंग्स एडॉप्टेड. कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ यहां पे, हैंग हो रहा है, चल रहा है ना. चोला किंग्स एडॉप्टेड द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू द अप टू द ग्रेट एक्सटेंट. ये सही है ऐसे एस ए टी ए ठीक है वो ठीक है. सतावाहन किंग्स है ना, देख लेना थोड़ा बहुत. हम आगे बढ़े. आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. अभी भी है ना, नो वरीज. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, अभी आज का दिन भी मैंने एसएस के लिए ही रखा है. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग डांसिंग म्यूजिक फ्लोरिस्ट. आपको जितने भी आर्ट्स के नाम पता है ना इस पर्टिकुलर बुक लिख देना, ठीक है ना. गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर भी ढंग से फूला फैला था, स्कल्पचर भी ढंग से फूला फैला था, फिर पेंटिंग भी ढंग से फूला फाला था, डांसिंग और म्यूजिक भी ढंग से फूला फाला था. फ्लोरिस्ट. पार्वती टेम्पल एट जबलपुर नीनावा याद रखना पड़ेगा. बुमरा नागोड़ा शिवा टेम्पल. पार्वती टेम्पल कहां पे है, जबलपुर में है, जबलपुर में. पार्वती टेम्पल जबलपुर में, ठीक है ना. पीजे नीनावा, ठीक है ना, नीनावा. पार्वती टेम्पल है जबलपुर में और शिवा टेम्पल किधर है बेटा, शिवा टेम्पल बुमरा नागोड़ा, ठीक है. पीजे, ठीक है, पार्वती टेम्पल पीजे जबलपुर नीनावा शिवा टेम्पल बुमरा एसबी, ठीक है. ईरान्स, ईरान्स नरसी टेम्पल किधर है बेटा, नरसी टेम्पल किधर है, ईरान में, एनी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके. फिर गोप मंदिर एट जामनगर. गोप मंदिर कहां पे आया है, फिर नॉर्मल लाइन्स है, फिर कैसी है, नॉर्मल लाइन है. स्तूपा चैत्य स्मार्ट विहारास, ठीक है. फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्ट. कोई डाउट है, इसमें बीच वाली जो लाइन थी थोड़ी ऊपर नीचे, बाकी सब नॉर्मल लाइन है, डिफॉल्ट लाइन है हमारी भाषा में. गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. ये एकदम नॉर्मल लाइन है, एकदम डिफॉल्ट लाइन है ना. कोई डाउट है, नहीं है. बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, वापस रिपीटेड लाइन आया. सारनाथ का जो बुद्धा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ, ये सारनाथ का बुद्धा स्टैच्यू आपको कौन से चैप्टर में आया मेरे को ये बताओ, पांचवें नंबर के चैप्टर में है या नहीं है, पांचवें नंबर के चैप्टर में पहले पेज पे नालंदा में, यहां का नहीं है, सारनाथ का नहीं है, ठीक है. वो आप एक्चुअली चैप्टर ऐसे पढ़े हो एग्जाम के अगले दिन रीड करके जाओगे तो सब याद आ जाएगा ना, बहुत ढंग से पढ़े वो कुछ चार पांच चैप्टर, तो हद से ज्यादा ढंग से पढ़े. कोई डाउट है, नहीं है. तो ये आपका बी सेक्शन और सी सेक्शन के प्रिपरेशन चल रहा है अभी, बढ़िया है. बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो चुका है, बायो थोड़ा बाकी है,
टू एंड हाफ डेज में हो जाएगा ना लाइव प्रोसेस, अभी नहीं। वो पेपर दे के आओ एसएस का, बाद में देख लेंगे जिसको। और यहाँ के बाद में हम जब भी लाइव आएंगे ना, तो किसी को लाइव अटेंड करना है नहीं करना है उसकी पर्सनल चॉइसेस है, आप समझ रहे हो ना। उसको मैच करना था, वो बाहर बैठा था, कोई डाउट है तुमको, किसी को कुछ चैप्टर कोई सिखा ये बोल रहा है लाइव प्रोसेस, मैंने बोला एसएस का पेपर दे के आओ तो मैं पर देख लूंगा, तो उसकी इच्छा, उसको बैठना है, किसी को और कुछ करना है, दे आर एट देयर विल, कोई टेंशन नहीं है। अभी पहले हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। बुद्धा स्टैच्यू स्टारना स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, विष्णु जी का स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ था, अगर थ्री मार्कर्स पे आ गया तो थोड़ा बच्चों को टफ पड़ता है, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना। थ्री मार्कर्स निकलता है ना यहाँ से, अगर थ्री मार्कर्स अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लोगों को टफ पड़ता है, फिर भी हम ट्राई करते हैं सेकेंड टाइम। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड है ना, पांचों आता है, आया ना दीदी दीदी। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिस्ट, ये सब चीजें फुली फाली थी। नाउ पीजे पार्वती टेम्पल कहाँ पे आया है, जबलपुर में आया है, नीनावा। वैसे वो जोड़के में आता है ये, तो जोड़के में आ जाए तो आपको तकलीफ पड़ेगी, बाकी नीनावा नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। शिवा टेम्पल कहाँ पे आया है, भूमरा, वैसे नागोड़ा, ये एक बार शायद आ चुका है एग्जाम में। नरसिंह टेम्पल ईरा मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड क्या था, और गोप मंदिर एट जामनगर, ये आपको और एक एक्स्ट्रा याद रखना है, बाकी तो स्टूपास चैत्रास विहारास और मठ नॉर्मल लाइन है, ठीक है ना। फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द, एकदम डिफॉल्ट लाइन है, एकदम डिफॉल्ट लाइन है। बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एज मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड। कैन वी मूव ऑन, चलो ठीक है, सही में केव्स आर केव आर्किटेक्चर, कैसा आर्किटेक्चर, किधर बाहर जाना है, ए इससे कभी हम लाइव आए इसका वो जाले जाए तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो वो आवाज नहीं आएगा ना। मोबाइल मोबाइल में, मोबाइल में पावर बैंक से कनेक्ट करेंगे तो आवाज नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, हमने देखा नहीं है, एक बार देख लेंगे अभी बाद में, हाँ वो सेटिंग हिल जाएगा जाते जाते, नहीं तो फिर एक डेमो ले लेंगे, नहीं तो आखिरी में जब हम सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस थैंक यू बोले तब कनेक्ट करके देख लेंगे। हैंडी रखना। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी, केव आर्किटेक्चर है वो क्या है, मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी है, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। तुम्हारा लोगों का एग्जाम है बाजू में, देखना कोई एग्जाम बिना का है या तो ट्वेल्थ वाला कोई ऐसा लड़का है ना उसको बोलो, तो बेकार है लापर वो लोग, उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता। देख मैं ये इसको आज के बाद कुछ काम नहीं बोलने का, इसको नहीं बोलने का ना, ये कालू को कुछ काम नहीं बोलने का, भूषण को कुछ काम नहीं बोलने का, ठीक है, समझ रहा है, कुछ भी काम नहीं बोलने का। केव आर्किटेक्चर,
केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. मैन मेड कितने लोग हैं अभी भी? क्या बात है. जो गुफा आर्किटेक्चर है, गुफा आर्किटेक्चर है इज कंसिडर्ड एज अ मेन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. कैन वी मूव ऑन? यस. केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा एट औरंगाबाद. क्या ये लाइन आपको याद करवाने की जरूरत है? आप करके बैठे हो ना, कौन से चैप्टर में? और वो आपका हो चुका है. हमारा रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है लेकिन हम अच्छा पढ़ाया था. सॉरी, क्रांति बैच में. ठीक है, क्रांति बैच में अच्छा पढ़ाया था. रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है इसका. नंबर के साथ पढ़ाया था, नंबर भी याद कराए थे. अभी मुझे वो याद नहीं है कैसे याद कराए थे लेकिन आपको याद करा लिए थे. याद है सब? पूनम कब है अभी? चेक करके बताओ ना. होली के दिन ही है ना बोल रहे थे आप, तो भी रवि कब ऐसे आएगी? अमास अभी आएगी, सामने अमास आएगी. 25 को पूनम. पुष्पेंद्र को जबरा सब कुछ सबसे हाँ सबसे पहले इसी को पता चलता है. ये दिया तो सही. पटेल से नहीं लेने का. पटेल और बादल पर्सनली नाश्ता करते हैं, हमारे लिए 5 रुपया नहीं निकालते. दोनों मतलब ये वो अच्छा है. पटेल और बादल से संबंध नहीं रखना. क्या बोल रहा है? क्यों? अरे मैं तो मजाक कर रहा था. अरे यार ये तो सीरियस हो गया. ए यार प्लीज पढ़ाने दे. प्लेज, रिक्वेस्ट. यप. केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज द मेन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा एट औरंगाबाद. आपको रटने की जरूरत नहीं. एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, ये भी आपको पता ही होगा. उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, ये आपने शायद हाँ क्रांति बैच में सुना होगा लेकिन यहाँ पे पहली बार सुन रहे हो. और इसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है. पुनेश्वरी नियर ओडिशा है ना, ठीक है. देखो ये अच्छा है. वो हमने वो झगड़ते थे किट्टा, वो पुनेश्वरी नियर ओडिशा, ठीक है. उदयगिरी एंड बाग एंड ग्वालियर याद रख लेना. फिर खांडगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड. आप अगर केव आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो केव आर्किटेक्चर में अजंता और इलोरा बनता ही बनता है, ठीक है ना. अजंता एंड इलोरा एट औरंगाबाद. फिर एलिफेंटा की गुफाओं को भी हम कैसे भूल सकते हैं. और जो केव आर्किटेक्चर है वो मेन मेड ब्यूटीफुल है. कैसा है? मेन मेड ब्यूटीफुल है. केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मेन मेड ब्यूटी ऑफ आर्ट या तो प्लेस ऑफ ब्यूटी. केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा एट औरंगाबाद. एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई. उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर. ग्वालियर कहां पे है पता है बेटा? मध्य प्रदेश में आया है. सिंधिया फैमिली का राज था वहां पे. पता है नहीं पता है? सिंधिया, सिंधिया फैमिली, SCINDIA, सिंधिया. जैसे माधवराव सिंधिया, श्री लेट माधवराव सिंधिया, उसके बाद में अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है ना. राजा महाराजा हुआ करते ज्योतिरादित्य सिंधिया. इनके फैमिली को बोला जाता है, वैसे लाइव चालू है नहीं बोलना चाहिए, बट इनके ऊपर ब्लेम. सॉरी अरे वो महाराष्ट्र में ना, मध्य प्रदेश. वी आर टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश.
ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, यू कैन गूगल द सेम, ठीक है ना। इनके फैमिली के बारे में ऐसा लाइव है, एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे पे केस कर सकते हैं, लेकिन ये जो बुक्स में संदर्भ है वही मैं बोल रहा हूँ। इतिहास में जो लिखा गया है, ये भारत के इतिहास की इतिहास की सबसे गद्दार फैमिली में इनका नाम आता है, राजा है ये। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके पूर्वजों ने जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके पूर्वज जो राजा महाराजा थे उस टाइम पे, उन्होंने झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई के साथ ऐसे कॉम्प्रो किया था, एक संधि की थी, ट्रीटी की थी कि आप लड़के लड़ते आना, हम आपका लिए दरवाजा खुला रखेंगे, आप घुस जाना। लेकिन उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं था, ठीक है ना। ऐसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उस ग्वालियर के चर्चे कर रहे थे, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बारे में एक बार सवाल किया गया था तो गुस्सा हो गए थे, ठीक है ना, कि इतिहास को आप गलत तरीके से पढ़ते हो। उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर उड़ीसा, खांडगिरी एंड नीलगिरी, कौन सी गिरी, खांडगिरी एंड नीलगिरी, ठीक है, आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। फिर खांबालीडा गोंडल गुजरात में आया है, कहां पे आया है, गोंडल, हमारे गांव से थोड़े ही आगे जाते हैं तो गोंडल तालुका पड़ता है, खांबालीडा गोंडल इन गुजरात, दांत इन राजकोट, ये किसी और चैप्टर में भी आया है ना, इसी चैप्टर में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, मैं ऑलरेडी दो तीन दिन पहले कहीं पे पढ़ा चुका हूँ, ये दांग तालुका आया है ना, ठीक है। थ्री केव्स एट जूनागढ़, जूनागढ़ में भी तीन गुफाएं आई हुई है, ठीक है ना। तलाजा भावनगर में आया हुआ है, तलाजा तालुका भावनगर में आया हुआ है। फिर ये सना कहाँ पे आया वो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, एटसेट्रा, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके फाइन। केव्स आर ऑल्सो फाउंड, द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ थ्री केव्स एट बर्बर, क्या है माउंटेन है, क्यों ऐसे करता है ये लोग, बर्बर माउंटेन, किलोमीटर वो उसका बर्बर का भी स्पेलिंग देख लेना, 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया, बोध गया, गया मतलब बोध गया, सिर्फ गया लिखा है, बोध गया ऐसा, तू बिहार में तेरे को पता है गया अलग है बोध गया अलग है, बोध गया से बिलंग करता है, ठीक है। तो वो बोधी ट्री देखा हुआ है तूने, उसका स्टोरी पता है, नहीं नहीं रियल स्टोरी पता है, उसका नाम ऐसा बोधि वृक्ष क्यों है नहीं पता है, जान के आना। वो एक साधु थे, वो उल्टे बैठे थे, एक भक्त का राह देख रहे थे, है ना, सालों से उल्टा बैठ के प्रोडक्ट वो मेडिटेशन कर रहे थे, जान के आना। दिस वो वही है बरबर, दिस डिस्क्राइब्स वर्क्स ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका, ये जो है अशोका ने चैरिटी, समझते हो ना, दान धर्म। केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव ऑफ बिहार, सुदामा समझते हो, सुदामा एंड केव ऑफ सीता आर द वेल नोन, एक बार हम रामायण में भी चले गए, एक बार हम महाभारत में भी चले गए। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अजंता एंड इलोरा, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है ये लाइन, एग्जाम में इतना जोरदार रट्टा मारता है ना भाई, इतना जोरदार केव आर्किटेक्चर के बारे में कुछ लिखिए, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अजंता एंड इलोरा आर गिवन इन चैप्टर नंबर 6, खत्म। जोरदार रट्टा मार दिया भाई। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मेन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी, बढ़िया है। केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा एट औरंगाबाद, है ना, औरंगाबाद कहां पे आया बेटा, महाराष्ट्र में, वेरी गुड। एलिफेंटा केव नियर मुंबई, केव्स है, बहुत सारी गुफाएं है, केव बोलना गलत बात है। उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर उड़ीसा, खांडगिरी एंड नीलगिरी, खांडगिरी, खांडवीगिरी, नीलवीगिरी, है ना, खांड समझते हो शक्कर, तो खांडवीगिरी और नीलगाय, वो भी गिरी, खांडगिरी एंड नीलगिरी, और वो भी पूनम के दिन गिरी, कौन से दिन गिरी, खांड कब गिरी, पूनम के दिन, नीलवी कब गिरी, पूनम के दिन, वो आपको पता है, ऐसा कहां पे क्या हुआ जाड़िया,
हाँ विश्व भारती चलो ठीक है, खांड भी गिरी, नील भी गिरी, आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। भैलू भैलू खांबा लीडा ऑफ गोंडल इन गुजरात, धांग राजकोट, थ्री केव्स एट जूनागढ़, तड़ाजा सना केव्स आर ऑल्सो फाउंड, द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ थ्री केव्स इन बर्बर ऑफ बर्बर माउंटेन जो 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। दिस डिस्क्राइब्स वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय अशोक, ने बहुत सारी चैरिटी कर दी, ये दिल दर्शाता है ये सब। केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता आर द वेल नोन केव आर्किटेक्चर। और एग्जाम में ये लाइन लिखना नहीं भूलना है आपको, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अजेंडा, ये देखो अभी देख रहा है कौन सी लाइन लिखनी है, ये लिख के आएगा ये नहीं हमें कभी कभी बोलते हैं कि आपको डिटेल में पढ़ना है ये चैप्टर, बराबर है वो नहीं, अभी हम फास्ट ट्रैक के ऊपर वो कुछ अपेक्षित का चालू किया था फिर बंद कर दिया, तो अपेक्षित का वो क्वेश्चन आया था मैंने बोला हमारा वीडियो देख लेना, तो ये तो एग्जाम में लिख के आएंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्सीलेंस का वीडियो देख के आ जाना नॉनसेंस। ये जो ऊपर नाम था ये तो डिटेलिंग में आ गया भाई, पत्र काम काज है गजब सब है, है? तो ये ऊपर के केव्स ऑफ गुजरात इसलिए ऊपर नहीं था, ठीक है। बाबा प्यारा केव्स, बाबा प्यारा, अच्छा कोई ना, जो भी प्यारा है उनको प्यारा रखेंगे, ग्रेट ओके, ग्रेट थिंग्स हैपन टू ग्रेट पीपल। બસલા બધાને આપ મોટા કપ છે બસ હવે મને ના આપીશ કેસી પ્રિપરેશન બેટા કુછ લીકેગા એક્ઝામ માં મેથ્સ મેં તો પાસ હો રહા હૈ ના ઇંગ્લિશ મેં તો દેખ લેંગે અગલે સે फाइन। सबसे पहले आपको बता दे ये देखो ये डाक डाक है केव से जूनागढ़, ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो जूना ऊपर तो वहां पे लिखा था जूनागढ़ के अंदर थ्री केव्स आई है, देखा यहाँ पे एक लाइन है कहीं पे भी कहाँ लिखा है थ्री केव से जूनागढ़, ठीक है ना। हाँ केव से जूनागढ़ तीन है तो उसमें एक दो तीन ये जूनागढ़ की केव्स, उसके बाद में केव्स ऑफ खंबा खंबाड़िया, तो ये खंबालीड़ा होगा वो खंबाड़िया ही होगा, खंबालीड़ा है तो फिर यहाँ पे खंबाड़िया क्यों है, ये तो वो जाम खंबाड़िया वाला खंबाड़िया हो गया, यहाँ खंबालीड़ा है यहाँ पे खंबाड़िया है, तो ये करेक्ट कर लेना, तुम्हारे में क्या ये यहाँ पे भी खंबालीड़ा है, यू आर सपोज टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर सपोज टू करेक्ट ओवर हियर खंबालीड़ा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट करेक्ट कर लेना, ये रहा ये वाला जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे लगा दे, सॉरी आप अपने हिसाब स्टूडेंट्स वो जो भी स्पेलिंग आपको दिख रहा है वो करेक्ट कर लेना। आपको ये नंबर्स में कोई कंफ्यूजन है, उनको एक्चुअली यहाँ पे वन लगा के यहाँ पे एबीसी लगा देना था, क्या लगा देना था, अभी यहाँ पे वन है वहां पे वापस वन टू थ्री है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा केव्स एट जूनागढ़, केव्स ऑफ गुजरात के अंदर केव्स ऑफ जूनागढ़, ये जूनागढ़ लिखा है जूनागढ़ है ये, व्हाट इज दिस, इट इज जूनागढ़। देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़, ग्रुप ऑफ बाबा प्रयाग केव्स, नवी बुक में खंबा, ये तेरी नई बुक है बढ़िया है, ग्रुप ऑफ बाबाप्रयाग केव्स, दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ, ये जो केव है अब बाबा प्यारा है तो फिर वो बाबा प्यारा मठ के नजदीक में आई है।
दे आर इन थ्री लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, है ना। ये जो केव है वो तीन लेयर्स में है, कैसे लेयर्स में, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। देर आर टोटल 16 केव्स, आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लाइन, चार कैसी है, 1 2 3 4, चार फर्स्ट लाइन में है, 7 इन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, एंड फाइन थर्ड, ये 1 2 3 4, ऐसे चार गुफा हो गई, 1 2 3 4 5 6, और ये सातवीं, ये हो गई, और 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ऐसे है। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी, हमें पता नहीं है कहां, लेकिन ऐसा बोला गया कि पॉसिबली ये कहां पे बनी, कब बनी हुई है, कोई डाउट है आपको, नहीं है। पहली रो में कितनी है बेटा, 4 है, पहली में 4 है, दूसरे में 7 है, दूसरे में 7 है, और 5 है, कोई डाउट है, नहीं। पहली रो में क्या है, 4 है, दूसरे में 7। देखो जब रुद्रो ने मेरे को पहली बार बॉल डाला, पहला बॉल, तो पहले बॉल पे मैंने 4 रन मारा, दूसरे बॉल पे मैंने छक्का मारा लेकिन वो 9 बॉल था, और तीसरे बॉल पे चौका मारा लेकिन वो भी 9 बॉल था, कोई डाउट है, पहले चौका फिर छक्का फिर चौका, 9 बॉल, दोनों 9 बॉल थी, कोई डाउट है, नहीं है। पहली लेयर में मैंने चौका मारा फिर छक्का मारा फिर चौका मारा, ठीक है, तो बेसिकली एक ही बॉल में मैंने 16 रन मारे, है ना। जब मेरा रुद्र प्यारा बॉलिंग कर रहा था, ठीक है ना, तो मैंने एक ही बॉल में कितने मारे, 16 रन मारे, कोई डाउट है आपको, कैसे मारे, पहले बॉल पे चौका, दूसरे बॉल पे 9 बॉल में चौका, तीसरे बॉल सॉरी छक्का, और तीसरे बॉल पे 9 बॉल पे चौका, तो बेसिकली, और हमको उनकी पूरी टीम ने 15 रन ही बनाए थे, उनकी पूरी टीम ने कितने रन बनाए थे, हमको जीतने के लिए कितने थे, 16, एक ही बॉल में मैच खत्म, कोई डाउट है, कोई डाउट है बेटा, बाबा प्यारा केव याद रहा, ठीक है ना, इसीलिए वो जूना है, पुराना हो गया। ग्रुप ऑफ 12 दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ, दे आर इन थ्री लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एज 90 डिग्री, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा था। देर आर टोटल 16 केव्स, आउट ऑफ देम 4 आर इन द फर्स्ट लाइन, 7 इन द सेकेंड लाइन, 5 इन द थर्ड लाइन, पॉसिबली दे वर कार्व्ड आउट फर्स्ट, बराबर है, कोई डाउट है, नहीं है। शायद हम लोग दोपहर में 1 या 2 बजे क्रिकेट खेल रहे थे, आगे बढ़ते हैं। पड़ेगी, हाँ तुमको याद रहा कि नहीं रहा, हो गया, चल भाई। केव्स ऑफ ऊपर कोर्ट, कौन सा कोर्ट, ये 2 माल्या है, कितना है, 2 डबल स्टोरी, तो ये इसका भी स्पेलिंग खतरनाक गलत है, स्टोरीड है, बराबर है, नॉनसेंस, आरी, आरी। On seeing their remain, say one can that they might have been carved during the end of the second century and the beginning of the fourth century. जो ये जो है, ये ऊपर कोट के बारे में, ऊपर कोट है, घर के ऊपर एक कोट है, मतलब समझ लो 2 मालिया है, समझ रहे हो, कोट समझते हो ना, ठीक है। इनको देख के किसी को ऐसा लगता है, अगर आप इसको देख रहे हो, आपको लगेगा तो ये एट द शायद एट द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी या तो बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ सेंचुरी में ये बना हुआ है, ठीक है, कोई डाउट है, नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखना है, क्या लिखना है, ये 2 मालिया है और ये शायद दूसरी सेंचुरी के अंत में या तो फिर चौथी के शुरुआत तक बना होगा, बिटवीन बिटवीन। केव्स ऑफ छपरा, खपरा है एंड केड़िया, खपरा एंड केड़िया। Caves of Kund, on seeing the remains, it can be said that they were floored caves. कैसे? Floored caves. It may have been carved in the 3rd century. There are 20 pillars and they are ruins now. यहाँ पे 20 पिलर है, लेकिन अब ये क्या है? सब खंडहर
है कोई, अगर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े हो जाएगा। अच्छा बाबा प्यारा याद रहेगा, मेरा रुद्र प्यारा क्या, अभी भी चार पेज चार भी नहीं है ना, सब फोटो वाले पेज है ना, कोई ना क्या हुआ केव्स ऑफ खंबाड़िया खंबालीडा, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1959 AD, ठीक है ना, कोई डाउट है, नहीं है। ये वो साल है जहां पे मेरा इसके अगले वाला जो जन्म था वहां पे मैंने समाधि लिया था, कोई डाउट है, 1959 में मैं इससे अगले जन्म में मैं डॉन ब्रैडमैन था, डॉन ब्रैडमैन 99 की जो एवरेज है, ठीक है, डॉन ब्रैडमैन था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, द ग्रेट क्रिकेटर, आज तक का सबसे महान क्रिकेटर। तो 1959 में मैंने एक बार समाधि ली, वापस वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आए, ऐसे समाधि के ऊपर ठक ठक किया, भाई नहीं चलेगा वापस आ जाओ, तो फिर मैं वापस आ गया, ठीक है। हाँ स्किन कलर इट इज डिस्कवर्ड इन 1959 एंड डोमिनो, दे आर सिचुएटेड एट खंबालीडा नियर गोंडल, कोई डाउट है आपको, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट, मैंने पहले ही बोला गोंडल मेरे गांव से नजदीक आया है, अगर किसी को याद है तो मेरा गांव है जसदन, जसदन राजकोट के नजदीक में पड़ता है, और ये जसदन से आगे जाते हैं तो राजकोट से इतना दूर नहीं है मेरा गांव, किलोमीटर के हिसाब से याद नहीं है, मेरे भाई को ये सब याद रहता है, और मेरे गांव से तकरीबन ये हार्डली 10-20 किलोमीटर होगा, ठीक है। और ये गोंडल वीरपुर जाने के रास्ते में आता है, वीरपुर समझते हो, नहीं समझोगे, सौराष्ट्र को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थ्री ऑफ देम आर रिमार्केबल, ये जो यहाँ से जो तीन गुफाएं है, ठीक है ना, वो हद से ज्यादा रिमार्केबल है। चैत्य ग्रूव इज टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव, बीच वाली जो केव है ना, बीच वाली जो केव है चैत्य ग्रूव विथ स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव। फिगर्स ऑफ बोधिसत्वास एंड स्टैच्यूज ऑफ दिवोतीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ द एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाय ट्रीज, ये इनके जो दिवोतीज है, अगर आपने इन लोगों के बुद्ध के और जैन के टेम्पल्स ढंग से देखे है तो उनके पता है वहां पे बहुत सारे स्टेच्यूज होते हैं उनके भक्तों के, अरे ऐसे शेप में होते हैं भक्तों को भी उनके, आप अक्षरधाम में तो है ही है, आप कभी वो ये लोग आबू जाते हैं, आबू गए हो कभी, आबू में भी बहुत सारे जैन वो क्या बोलते हैं उनको, फिर वहां पे देरानी जेठानी का भी कुछ है, वो हमें गाइड समझा रहा था कि ये देरानी जेठानी का महल है, और ये बहुत कुछ था वहाँ पे, गाइड जैसा बोलता है वैसा हमें सुनना पड़ता है, मजा आता है। वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का भी हेडक्वार्टर है, ब्रह्मा कुमारी समझते हो, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, ये हमारे जिम के पीछे नहीं है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के पीछे ब्रह्मा कुमारी, सफेद कपड़े कपड़े पहन के नहीं घूमते है, वो भी एक पंथ है, जैसे स्वामीनारायण एक पंथ है वैसे ब्रह्मा। देखो ये ब्रह्मा कुमारी वाले ये जो प्रीचिंग करते हैं ना तो ऐसे करेंगे, सुनो आपको एक फाइल बंद करनी है दूसरी फाइल खोलनी है, गुस्सा कभी करना नहीं है, शांत स्वभाव, ओम परम शांति मिली, ठीक है। यार ये लाइव में ये सब नहीं बोल रहे, तुम लोग मेरे को याद दिलाते रहो, नहीं तो 4-5 होलसेल में केस हो जाएंगे, इधर भी मारने आएंगे सब। फिगर्स ऑफ बोधिसत्वास एंड स्टैच्यूज ऑफ दिवोतीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एंट्रेंस पास सपोर्टेड बाय ट्रीज एंड दे आर सेकंड और थर्ड सेंचुरी, ये सेकंड और थर्ड सेंचुरी के है। ये हम जोशी बादल ध्यान दे बेटा, केव्स ऑफ इट इज डिस्कवर्ड इन
1959 कोई डाउट है कहां पे? जब मैंने समाधि ली थी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में. दे आर सिचुएटेड एट कम्बालीडा. दे आर कर ले दे आर सिचुएटेड एट कम्बालीडा नियर गोंडल. गोंडल मेरे गांव से नजदीक आया, राजकोट से आगे 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम राजकोट. थ्री ऑफ देम आर रिमार्केबल. चैत्यगुरु विथ स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव. फिगर्स ऑफ बोधि सत्वास एंड स्टैच्यूज ऑफ दिवोतीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाई ट्रीज एंड दे आर सेकेंड और थर्ड सेंचुरी. तराजा कैसा? ये शायद भावनगर के नजदीक आया, वही तराजा के बारे में बात कर रहे हैं. लिखा है भावनगर. ये मेरा एक फ्रेंड है, उसका शादी तराजा में हुआ था, यानी लड़की वहां की है. तराजा के कितना है? 14. हाँ उसका शादी भी 14 फेब को ही हुआ था. अच्छा 14 पीपल सर वॉचिंग. तुम सब समझते नहीं हो सब चीजों को. ठीक है. तलाजा केव. माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंजी रिवर. शेत्रुंजी रिवर एक बार गूगल कर लो. इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. इट इज फेमस एज पिलग्रिम ऑफ ताल ध्वज गिरी. कोई डाउट है? नहीं है. ताल ध्वज गिरी के पिलग्रिम समझते हो? वो पूजनी करने आते हैं ना पिलग्रिमेज, तो वो जो दर्शन करने जाते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं. यहाँ पे 30 केव्स है. 30 केव्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम स्टोन्स विद ह्यूज गेट्स, बड़े बड़े गेट्स. एबल मंडप, सभा खंड. चैत्य गुरु मैचिंग में आता है ये? हाँ भाई अपेक्षित है. ठीक है चलो. एबल मंडप मतलब यहाँ से कुछ भी आ सकता है. एकदम इन डिटेल स्टडी किया होगा उसका ही 80 में से 80 मार्क आएगा. एसएच शत्रुंजय नहीं है वो, बट शत्रुंजी. ठीक है. शत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. इट इज फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तालध्वज गिरी. यहां पे 30 केव्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम स्टोन विच ह्यूज गेट्स, बड़े बड़े गेट्स. एबल मंडप, सभाखंड. चैत्र गु आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग्स टू द 3rd century AD. जो बुद्ध आर्किटेक्चर को फिर से पढ़े. तलाजा क्यों कहां पे? भावनगर. कहां पे? भावनगर. माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजी रिवर. शत्रुंजी रिवर है ना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. इट इज सबसे ज्यादा फेमस फॉर पिलग्रिम ऑफ तालध्वज गिरी है ना. ऊपर नीलगिरी आया था और खांडगिरी और नीलगिरी. देखो हमारा रुद्र को याद रह गया. ठीक है ना बाबा प्यारा याद रहा. ठीक है. 30 केव्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम स्टोन्स विद ह्यूज गेट्स, बड़े बड़े गेट्स. इबल मंडप जिसको सभागण बोलते हैं एंड चैत्य गृह आर द बेस्ट एग्जांपल्स फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस बिलोंग्स टू द 3rd century AD हो गया. अच्छा सना केव. कौन सी केव? सना. धंग केव, जिंजुरी जार, खपरा, होड़िया. ठीक है. कुछ हुआ? किसी ने हिला दिया था क्या? सना केव. दिस ग्रुप ऑफ केव्स
12th के कितने लोग आए? 1, 2, 3 देख क्या कितने लोग हैं? कौन कौन? ध्वनि ध्वनि नॉनसेंस है सब, वो बोल के रखा था मैंने, कोई ना। सना केव, दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ सना माउंटेन इन वाकिया विलेज, है ना? कहां पे आया भाई? ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। चलो, दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन लाइक बी हाइव। अच्छा, ये बी हाइव बुक तो आप कभी पढ़ चुके हो ना? हाँ, कि नहीं पढ़े हो? पढ़े। क्या था उसका मतलब बी हाइव का? माउंटेन लाइक वो, ये जो केव्स है, केव्स कैसे सना माउंटेन के ऊपर जैसे बी हाइव होता है ना, उसके जैसे वो स्प्रेड किए हुए है। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, मतलब जितना नॉलेज ले सकते हो ना, मजा आता है, समझ रहे हो? और जानने के बाद ज्यादा जानने का मजा आता है। हम लोग ऐसे रट्टा मारते हैं, वो वैसे आमिर खान मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, वैसे लाइव में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पिक्चर अच्छे होते हैं। वैसे थ्री इडियट्स था शायद, थ्री इडियट्स में उसका एजुकेशन लेने का स्टाइल अच्छा था। आज सुबह में मैंने एक रील देखी कि मैं उसके जैसा, उसका नाम रैंचो था, तो कि रैंचो के जैसे मैं गायब तो हो जाऊं, लेकिन उसके दो दोस्त थे ना, क्या था, एक फरमान और राजू, कि फरहान और राजू जैसे दोस्त कहां से लाऊं जो मेरे को ढूंढने निकलेंगे। वो पिक्चर अच्छा था, स्टडी के रिलेटेड अच्छा पिक्चर था। मतलब लोग ऐसे नंबर्स के पीछे भागते, रट लो, लेकिन एक्चुअली कुछ आता नहीं है, टैलेंट जैसा कुछ है नहीं है। और टैलेंट को जो परस्यू करता है आजकल, तो क्या है, एक ही चीज़ को फॉलो करो, एक ही चीज़ को, तो फिर तो आप उस चीज़ में, और आज तो उसकी चीज़ की कितनी मतलब अहमियत है, किसी चीज़ में मास्टर हो जाओ, फिर तो यूट्यूब ही है। और आजकल तो ये लोग मतलब पैसे कमाने के लिए, गाइस मैं सुबह में उठ गया हूँ, गाइस अभी मैं टॉयलेट जाऊँगा गाइस, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद मैं वापस लाइव आऊँगा। वो गोप्रो ऐसे सुबह सुबह में इधर पे ऐसे पट्टा मान के ग्रुप को कैमरा लगा देते हैं, मतलब टॉयलेट में भी लेकिन आ जाए तो अच्छा है ना। दिस ग्रुप ऑफ केव्स सना केव्स इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ सना माउंटेन इन वाकिया विलेज, ठीक है, ऊना तालुका में आया है, इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। दिस केव्स आर स्प्रेड ओवर सना माउंटेन लाइक अ बी हाइव। कोई डाउट है? ये जो पर्टिकुलर सना केव्स है, ये जो पर्टिकुलर सना केव्स है, वो कैसे आए हुए हैं? सना केव्स है, वो सना माउंटेन के ऊपर बी हाइव की तरह आए हुए हैं। कोई ना। डांग केव, डांग जो राजकोट के आजू बाजू आया है, कहां पे? राजकोट। डांग गिरी इज सिचुएटेड इन डांग विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राजकोट डिस्ट्रिक्ट के उपलेटा तालुका के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, डांग विलेज, वहीं पे डांग गिरी आया है। इट इज कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century, ठीक है। देखो, यहां से थ्री मार्कर्स अगर आ गया तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम इसलिए होगा, आपको काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, और आठों आठ तो नहीं लिखने, कोई तीन चीज लिख देनी है, मेन नाम लिख देने के और बाकी के थोड़ा थोड़ा लिख देने का। और अगर वो ऐसा पूछ सकते हैं कि सनाव केव, धांक केव और जिंजुरी जार के बारे में बताओ, तो आपको फिर वो लिखना पड़ेगा या तो ऑप्शन में निकालना पड़ेगा, कोई एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी करके जानी पड़ेगी। जनरल ऑप्शन है, अच्छी बात है। दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड, वो हो गया, धांक गिरी इज सिचुएटेड इन धांक विलेज, धांक राजकोट, है ना, धांक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। देखो, ये हम नहीं कब से मतलब ये डिस्ट्रिक्ट, जैसे तलाजा की बात कर रहे थे तो मैंने बोला ये भावनगर में आया है, फिर हमने ढांक की बात बोली तो बोला राजकोट, सीधा याद आ रहा है, तो आपको एग्जाम हॉल में शायद ये काम लगेगा। एक लाइन तो लिख ही दोगे, और अगर इतना लिख दिया तो फिर मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है।
इट इज कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बिल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ सेंचुरी. देखो ये के उसके बारे में आपने जानकारी ज्यादातर अगर ध्यान दिया ना तो दो तीन और चार सेंचुरी में दोहरानी बनी है. अभी 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में गुफा बनाने कौन बैठेगा? अभी गुफा थोड़ी बनाएंगे हम तो हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, एकदम स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, आसमान को चीर के बना रहे हैं. मतलब ठीक है, हम आगे बढ़े. जिंजुरी जार, कौन सा जार? देर आर मेनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट धाक. ये धाक के बारे में ही बात कर रहे हैं. अबाउट 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिद्ध सत. सिद्ध सत्य इज द वैल्यू ऑफ जिंजुरी जार. इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ड सेंचुरी. वापस वही लाइन, फोर्थ सेंचुरी सेकंड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी सेकंड सेंचुरी. देर आर मेनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट बंगाल. बे वेस्ट इन ढांके, क्या है? वेस्ट ऑफ ढांके. बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स है इन द वेस्ट ऑफ ढांक, अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसार. इन द वैली इज द वैली ऑफ जिंजुरी जार. जिंजारी जार है ना. ये स्पेलिंग देख लेना आप, ये लोग क्या बताना चाहते हैं तो देख लेना एक बार. कोई डाउट है आप कंफर्म कर लेना. इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ड इन द सेकंड सेंचुरी. खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ. खापरा कोडिया सब कुछ के. दिस केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन नियर ओल्ड पाथगढ़. इसको भी देखो तो यार क्या लिखा है ये गुजराती में. पाटगढ़ लिखा है, पाटगढ़, जूना पाटगढ़. इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ. कच्छ के लखपत तालुका में आया है. देर आर टू केव्स. दिस आर डिस्कवर्ड बाय के. इसीलिए तो के है, है ना, के शास्त्री इन 1967. सब कुछ के क्यों है? क्योंकि के शास्त्री ने ढूंढा था. सब कुछ के क्यों है बेटा? खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ. खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ 1967 AD. देर आर थ्री केव्स. There are three caves in Kaliadungar at Jangadia Taluka in Bharuch district. These are the best old architecture specimens of Buddhist religion. Architecture of these caves is marvelous, ekdam marvelous. An 11 feet high statue of a lion with two bodies and one mouth in the form of pillar has been carved, which is in a single row. There are three caves in Kaliadungar at Jagadia Taluka. जगड़िया तालुका भरूच में आया है. वो पहली बार बोलने में मेरे से ऊपर नीचे हो गया. दिस आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स इज मार्वेलस. एंड 11 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ अ लायन विद टू बॉडीज एंड वन माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर हैज बीन कार्व्ड इन अ सिंगल रो. अमन थोड़ा रिवाइज कर लेना, जहां से रिवाइज करना है वहां से कर लेना. ये क्या किया?
चलो बताओ क्या रिवाइज कराओ। केव्स, चलो केव्स। सबसे पहले कौन सी केव आती है? केव्स ऑफ गुजरात में। कितने केव्स है? टोटल 8 केव्स है, ठीक है। इसमें सबसे पहली है जूनागढ़, केव्स है जूनागढ़। उसमें भी तीन चीज है, उसमें भी तीन केव आती है, बाबा प्यारा, रुद्रा प्यारा, फिर केव्स ऑफ ऊपरकोट, केव्स ऑफ खापरा एंड केड़िया, जिसको केव्स ऑफ कुंड भी बोला जाता है ना। केव्स ऑफ खापरा केड़िया और कुंड दोनों एक ही है, ठीक है। फिर सबसे पहले केव के नाम देख लेते हैं। केव्स ऑफ जूनागढ़, इसमें तीन चीजें, तीन केव आती है, केव ऑफ बाबा प्यारा, केव ऑफ ऊपरकोट, केव ऑफ खापरा एंड केड़िया। फिर दूसरी आगे खंबालीदा केव्स, तलाजा, सना केव, डांग, फिर झिंझुरी झार, फिर खापरा एंड केड़िया। हो गई 8, कालिया डूंगर लास्ट में, ठीक है। चलो केव्स एट जूनागढ़, देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव इन जूनागढ़। सबसे पहली कौन सी है? ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स। दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ। क्या? दिस केव्स इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ। दे आर इन 3 लेयर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, कैसे? तीन लेयर में, ठीक है। कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट करती है? राइट एंगल। देर आर थ्री, दे आर इन 3 लेयर्स, कैसी? 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। दिस केव इज सिचुएटेड इन बाबा प्यारा मठ, ओके। फिर दे आर इन 3 लेयर्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। देर आर टोटल 16 केव्स, देर आर टोटल 16 केव्स, आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लाइन। क्या? आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लाइन। सबसे पहले 4 है, फिर दूसरे में 7, तीसरे में 5, ठीक है, ओके। वैसे ऐसे लेयर ऐसे नीचे से होगी, ये फर्स्ट लाइन, फिर ऊपर सेकंड लाइन, फिर ये थर्ड लाइन। पहली लाइन, पहले में कितने? 4 केव है, फिर 7 केव है, फिर 5 केव है, टोटल हो गए 16 केव, ओके। देयर आर 16 केव्स टोटल, आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लाइन, 7 आर इन सेकंड लाइन एंड 5 इन द थर्ड लाइन। पॉसिबली अब जो या तो क्या, अब मेनली इसमें कितना कितना आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना ही है। उसके आगे इतनी सेंचुरी के नाम है, ठीक है। तो जो आता है या तो सेकंड या थर्ड लिखोगे तो भी कोई वादा नहीं है ना। मेन तो यही लिखना है आपको, इधर इतना तक इतना लिख दिया, फिर कुछ भी लिख सकते हो। इधर तो फर्स्ट लिख दो, सेकंड लिख दो, उसे इतना, उसे भी याद नहीं होगा, चेकर को भी इतना, ठीक है। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी, ओके। चलो अब दूसरा, केव्स ऑफ ऊपरकोट जूनागढ़ में। पहला है बाबा प्यारा, अब दूसरे में आते हैं केव्स ऑफ ऊपरकोट। दे आर इन, दे आर डबल स्टोरेड, कैसे? दो माल के, दो मालिया केव है। दे आर डबल स्टोरेड, ये स्टोरेड का स्पेलिंग गलत है। दे आर डबल स्टोरेड। ऑन सीइंग द रिमेन वी से, सॉरी, से वन कैन, ये क्या है यार? ऑन सीइंग द रिमेन से वन कैन दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ सेंचुरी। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, दो मालिया है ये केव, और क्या है ये, या तो फिर सेकंड सेंचुरी के एकदम एंड में बने होंगे या तो बिगिनिंग ऑफ फोर्थ सेंचुरी में बने होंगे। चलो केव्स ऑफ खापरा केड़िया, पहला क्या था? बाबा प्यारा, दूसरा ऊपरकोट, और तीसरा अभी खापरा एंड केड़िया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? केव्स ऑफ कुंड, केव्स ऑफ कुंड। ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स, ऐसे फ्लोर में है ना, फ्लोर मतलब माल, ऐसे अपने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर्ड केव्स है। इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द थर्ड सेंचुरी, क्या कितने फ्लोर है वो नहीं बताए गए, जैसे यहाँ पे डबल स्टोरीड था है ना, इधर भी फ्लोर्ड केव्स ही है, लेकिन कितने फ्लोर है वो नहीं बताए गए, ओके। चलो फ्लोर्ड केव्स, इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द थर्ड सेंचुरी, क्या वो थर्ड सेंचुरी में बने होंगे, उनको कार्व किए, बनाए होंगे इस केव को, कौन सी सेंचुरी में? थर्ड सेंचुरी में, ठीक है।
देयर आर 20 पिलर्स एंड दे आर रियून नाउ, मतलब जो वहां पे टोटल कितने पिलर बनाए गए थे, 20 पिलर, जिसमें से वो मतलब सारे ऑलमोस्ट सब एकदम खंडर हो गए अभी, ठीक है। चलो, केव्स ऑफ खापरा कोडिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, केव्स ऑफ कुंड, वो क्या है, उसका कब बने थे, 3rd century में बने थे, और वो कैसे है, फ्लोर्ड केव्स है, फ्लोर्ड केव्स है, मतलब माले में ही है, जैसे ये तो डबल स्टोरीड है, ठीक है, दो मालिया है इधर, मतलब माले नहीं बताया कितने माल की है ये, कितने स्टोरीड की है, ठीक है। फ्लोर्ड केव्स, इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द 3rd century, देयर आर 20 पिलर्स एंड दे आर रियून नाउ, देयर आर कितने 20 पिलर्स है जो अभी खंडर हो चुके है ना। ये खंबा लिया है इधर, खंबा लीदा, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड इन 1959 AD, दे आर सिचुएटेड एट खंबा लीदा नियर गोंदल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट, ठीक है। अभी हम दूसरी केव्स पे आ गए, केव्स ऑफ जूनागढ़ हो गया, ठीक है, जिसमें कितनी तीन केव्स थी, बाबा प्यारा, ऊपर कोट, और क्या पैन कोडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंड, केव्स ऑफ कुंड। चलो, केव्स ऑफ खंबा लीदा, इट इज डिस्कवर्ड इन 1959 AD, कब डिस्कवर हुई थी, 1959 AD में, दे आर सिचुएटेड एट खंबा लीदा, क्या, दे आर सिचुएटेड एट खंबा लीदा नियर गोंदल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। थ्री ऑफ देम आर रिमार्केबल, उनमें से कोई तीन ऐसी जगह है, मतलब तीन ऐसी कोई केव होगी वो एकदम रिमार्केबल है। चैत्य गृह विद स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव, ठीक है। चलो, ये चैत्य गृह है विद स्टूपा इज सिचुएटेड इन मिडल केव। फिगर्स ऑफ बुद्धि सत्वाज एंड स्टैचूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द एंट्रेंस एंड सपोर्टेड बाय द ट्रीज एंड दे आर ऑफ 2nd or 3rd century, जैसे कि वो बताया था कि उनके जो स्टैचू है वो एंट्रेंस के आजू बाजू रहते हैं और सपोर्ट उनके पीछे, मतलब सपोर्ट में ट्रीज लगाए जाते ठीक है। अब दे आर 2nd or 3rd century, कौन से, चलो, केव्स ऑफ खंबा लीदा कब डिस्कवर हुई थी, 1959, दे आर सिचुएटेड एट खंबा लीदा नियर गोंदल के पास, जो राजकोट, जहां से राजकोट 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है, गोंदल में पाई गई थी, मतलब गोंदल गांव के पास खंबा लीदा केव, सिचुएटेड खंबा लीदा नियर गोंदल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट, जो गोंदल है वो राजकोट से 70 किलोमीटर दूर है। थ्री ऑफ देम आर रिमार्केबल, अब इन केव में से भी, ये जो केव्स ऑफ खंबा लीदा है, इसमें से भी तीन केव ऐसी है जो एकदम याद रखी जाती है। देखो, चैत्य गृह विद द स्टूपा सिचुएटेड इन द मिडल केव, अब जो ये जो तीन की बात की गई उसमें से भी एक ही बताई गई है हमें, ये चैत्य गृह है विद स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव, वो मिडल केव में है, चैत्य गृह विद स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव, ठीक है। चलो, चैत्य गृह विद स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव। फिगर्स ऑफ बुद्धि सत्वाज एंड स्टैचूज ऑफ डिवोटी आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाय ट्रीज, ओके। चलो, फिगर्स ऑफ बुद्धि सत्वाज एंड स्टैचू ऑफ डिवोटीज, ठीक है, मतलब स्टैचू जो एंट्रेंस के आजू बाजू उनके स्टैचूज है, फिगर्स ऑफ बुद्धि सत्वाज, उनके जो स्टैचू फिगर्स मतलब वही हुआ, और स्टैचूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ द एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाय द ट्रीज, वो सब पीछे से उनके ट्रीज सपोर्ट होते हैं, एंड दे आर ऑफ अ 2nd या फिर 3rd century के। उसमें तीन चीजें थी, बाबा प्यारा, ऊपर कोट, खापरा एंड केडिया और कुंड,
केव्स के बारे में है ना, तो सारे केव लिख देने के, क्या सारे केव के नाम लिख देने के, और तीन मार्क में आता है तो आपको कोई भी मतलब दो चार लिख दो, दो तीन लिख दो, तो आपको पूरे तीन मार्क मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सारे केव के नाम लिखने, अगर ऐसा कुछ आता है ना, सबसे पहले थी जूनागढ़, जूनागढ़ में भी तीन आती है, फिर उसमें फिर आगे क्या आता है, खंबालीदा, फिर तलाजा, सना, धांग, फिर झिंझुरी झार, कालिया, कालिया कुंडा, खापरा केड़िया, ठीक है, आठ केव है टोटल, उसके नाम लिख देने के। अब एग्जाम में तीन मार्क में आता है ये, तो आपको कोई भी दो चार लिख देने की, ठीक है, तो उस चेकर को ये लगेगा कि उसको सारी केव्स आती है लेकिन तीन मार्क के हिसाब से उसने सही लिखा है। चलो ठीक है, केव्स, तलाजा केव, माउंटेन ऑफ तलाजा सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। कहां है ये तलाजा केव, माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आई है तलाजा केव, माउंटेन ऑफ तलाजा पे, ठीक है, इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंजी रिवर, इट इज फेमस एज पिलग्रिमेज ऑफ तालवाज गिरी, तालवाज गिरी, सॉरी, इट इज फेमस एज अ पिल, इट इज फेमस एज अ पिलग्रिम ऑफ तालवाज गिरी, ठीक है, तालवाज गिरी। 30 केव्स हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम द स्टोन्स विद अ ह्यूज गेट्स। देखो क्या बोला है, 30 30 केव्स, कितनी 30 केव्स थी यहां पे, हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम स्टोन्स विद अ ह्यूज गेट, है ना। चलो क्या बोला है, तलाजा जो केव है वो माउंटेन ऑफ तलाजा पे आई हुई है, इज सिचुएटेड, सिचुएटेड कहां पे आई है, नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंजी रिवर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट, इट इज फेमस एज अ पिलग्रिमेज ऑफ तालवाजगिरी, तालवाजगिरी, ठीक है, इट इज कहां, किसके लिए फेमस है, पिलग्रिमेज ऑफ तालवाजगिरी, फिर वहां पे कितनी 30 के कार्व हुई गई है, फ्रॉम स्टोन्स, स्टोन से कार्व की गई है, स्टोन के ऊपर ऑब्वियसली वहीं पे उस पे ही तो काम करेंगे, और विद अ ह्यूज गेट्स, मतलब केव्स के गेट भी बड़े बड़े गेट के साथ है वो केव, है ना, 30 केव्स have been carved from stones with a huge gates. फिर क्या इभाल मंडप है, एभल, गुजराती में क्या लिखा, क्या लिखा है, एभल, एभल मंडप, ठीक है, सभा खंड एंड चैत्य गृह अदब, ये चैत्य गृह ऊपर भी आया था, ये इधर चैत्य गृह अदब बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, केव आर्किटेक्चर ऑफ अ बुद्धिस्ट रिलीजियंस बिलोंग्स टू द थर्ड सेंचुरी। चलो यहां से एंड चैत्य गुरु आर द जो है हमारे इभा क्या इबेल, ठीक है, जो भी है, मंडप, सभाखंड एंड चैत्य गुरु आर बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू केव आर्किटेक्चर ऑफ अ बुद्धिस्ट रिलीजियंस belongs to the third century. Okay, तलाजा के बारे में हम क्या क्या पढ़े, वो कहां पे आई है, माउंटेन ऑफ तलाजा में आई है, और कहां पे, नियर शेत्रुंजी रिवर, और शेत्रुंजी रिवर कहां है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इट इज फेमस, वो किसके लिए फेमस है, एज अ पिलग्रिमेज ऑफ तालवज गिरी, ओके, फिर किया है उधर कितनी केव्स आई है, 30 केव्स आई है, 30 केव्स विद अ ह्यूज गेट, और 30 केव्स जो है उनके भी एकदम बड़े बड़े दरवाजों के साथ है वो, है ना, फिर इबेल मंडप, सभाखंड एंड चैत्य गृह आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्कल्पचर, स्कल्पचर तो पता ही है ना, एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द थर्ड सेंचुरी, ये कौन सी कब बनाई गई थी, थर्ड सेंचुरी में, ठीक है। चलो सना केव, दिस ग्रुप्स ऑफ केव सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ सना माउंटेन इन वानकिया विलेज पुना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन लाइक अ बी हाइव, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह फैली हुई है ये केव, है ना, दिस ग्रुप्स group of caves is situated on the top of a Sana mountain, कहाँ पे, एकदम top पे Sana mountain के in a Vankia village,
वन किया विलेज ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ एंड डिस्ट्रिक्ट दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन अ सना माउंटेन लाइक अ बीहाइव एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये स्प्रेड है ओके ठीक है फिर धांक केव धांक गिरी इज सिचुएटेड इन धांक विलेज ऑफ उपलेता तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट ठीक है जो धांक है उसको हम कहां से जोड़ देना है सीधा राजकोट से जोड़ देना है ठीक है और राजकोट मतलब उपलेता तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट धांक गिरी इज सिचुएटेड इन धांक विलेज धांक गिरी है वो कहां पे आई है धांक विलेज में और धांक विलेज ऑफ धांक विलेज फिर कहां पे है उपलेता तालुका एट राजकोट में आया है अपना धांक विलेज It is considered that they might have been built in the beginning of 4th century. क्या बोला है ये शायद 4th century में बनी होंगी ठीक है हल्की सी ब्राइटनेस कर देना चलो फिर जिंजूरी जार बस जिंजूरी जार देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ धांग अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर इज द वैली ऑफ अ जिंजूरी जार इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बिल्ड इन द सेकेंड सेंचुरी देखो जिंजूरी जार है वहां पे बुद्धिस्ट केव आई है का? क्या बुद्धिस्ट केव देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव इन द वेस्ट ऑफ धांग अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर इज द वैली ऑफ अ जिंजूरी जार इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ट इन द सेकेंड सेंचुरी ये जिंजूरी जार केव्स है वो सेकेंड सेंचुरी में शायद बनी होगी ओके चलो कितनी केव्स पढ़े हम छे अभी तक छे पढ़े सबसे पहले जूनागढ़ उसमें तीन केव थी बाबा प्यारा ऊपरकोट खपरा कोडिया जिसको हम कुंड भी बोल सकते हैं केव्स ऑफ कुंड फिर खंबालीदा केव्स फिर तलाजा सना केव ढांक केव जिंजूरी जार देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव इन द वेस्ट ऑफ धांग अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर इज द वैली ऑफ द जिंजूरी जार ये जो जिंजूरी जार है वो कहां पे आया है वेस्ट ऑफ धांग ये ऊपर वाले से जोड़ दो धांग धांग के एकदम वेस्ट वेस्ट साइड आया हुआ है पर्दा लगा देना वेस्ट ऑफ धांग अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर देखो ये जो जिंजूरी जार की जो वैली है हाँ पता है मुझे जिंजूरी जार की जो वैली है वो कहां पे आई है वेस्ट ऑफ धांग आई है और मतलब यहाँ पे आई है जो कि 7 किलोमीटर दूर है फ्रॉम सिद्धसर ओके इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ट इन द सेकेंड सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी में शायद ये बनी होंगी नहीं कौन है चलो ठीक है खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ क्या खापरा कोडिया है कि केडिया है कोडिया ऊपर क्या था खापरा केडिया अलग है खापरा कोडिया अलग है ठीक है चलो केव्स एट कच्छ ये कहां पे है कच्छ दिस केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द नियर टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पाथगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ देयर आर टू केव्स दीज आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1967 एडी ठीक है ये फाउंड की गई थी है ना ये फाउंड इट इज डिस्कवर्ड बाय 1967 एडी ये इज इधर हमने ये इस ऐसी केव को ढूंढी थी डिस्कवर्ड की गई थी कोई लोग बोलते कि 1967 एडी में बनाई गई नहीं थी भाई है ना ये सारे जो केव्स है वो अपने को पता है कहां कौन सी सेंचुरी की है या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उस सेंचुरी में बनी है बस हमें जो इतना है वो कहीं पे भी कुछ भी लिख दो फिर है ना चलो खापरा केडिया सॉरी खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ दीज केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन कहां पे ये जो माउंटेन है वो कहां पे है नियर ओल्ड पाथगढ़ ये जो केव्स है
वो टॉप ऑफ द माउंटेन में आया हुआ है, लेकिन वो कहाँ पे है? ये जो माउंटेन है वो किसके नजदीक में है? ओल्ड पाथ कट इन लखपत तालुका. क्या? लखपत तालुका ऑफ कट. देर आर टू केव्स. दीस आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1967 AD. चलो, केव्स एट कालिया डूंगर. चलो, कालिया डूंगर. There are three caves in कालिया डूंगर एट झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे आई है? भरूच में. भरूच में झगड़िया तालुका ये केव्स आई है. There are three caves. हाँ, कालिया डूंगर में कितने केव्स है? तीन केव्स है इन कालिया डूंगर. ठीक है, कालिया डूंगर में कितने केव्स है? तीन केव्स है एट झगड़िया तालुका. वो कहाँ? झगड़िया तालुका में आई है इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अगर मैचिंग में इसका चाहिए मार्क, एक मार्क चाहिए अगर मैचिंग का आपको, तो क्या पूरा मतलब एकदम डिट्टो होना चाहिए सब याद है ना. दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर्ड स्पेसिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन. कौन सा रिलीजियन? बुद्धिस्ट रिलीजियन. चलो गोलू बेटा, मस्ती नहीं. चलो. हाँ, केव्स एट कालिया डूंगर कहाँ? इतनी यहाँ पे कितनी केव्स आई है? थ्री केव्स. देर आर थ्री केव्स इन कालिया डूंगर एट झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे आई है? भरूच. दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर्ड स्पेसिमेंट्स ऑफ अ बुद्धिस्ट रिलीजन. आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स इज अ मार्वेलस. मार्वेलस. नेक्स्ट लेवल. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड. चलो, क्या है? मार्वेलस, एकदम खतरनाक, हद से भी ज्यादा है ना, एकदम मस्त, मजा आया था देख के ऐसा. देर आर थ्री केव्स इन कालिया डूंगर एट झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेंट्स ऑफ अ बुद्धिस्ट रिलीजन. और जो केव है वो किसके है? हमारी बुद्धिस्ट रिलीजन के केव है हमारी. ठीक है, एकदम आर्किटेक्चर स्पेसिमेंट्स. ठीक है, फिर क्या है? आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स इज अ मार्वेलस. नहीं लिखोगे तो चलेगा है ना, अपने को जो मेन लिखना है वो तो लिखना ही है. वहां पे तीन ये तो लिखना ही है कि वो कहाँ पे आई है, वहां पे कितनी केव है, वो सब तो हमें लिखना ही है. एंड 11 feet हाई स्टैचू, ये भी लिखना है ना, ये वाली लाइन भी लिखना. क्या है? एंड 11 feet हाई स्टैचू. 11 feet इतना लंबा स्टैचू ऑफ अ लायन विद टू बॉडीज एंड वन माउथ इन द फॉर्म ऑफ अ पिलर हैज बीन कार्व्ड विच इज अ सिंगल रॉक. देखो 11 feet high स्टैचू ऑफ अ लायन विद टू बॉडीज. कितनी बॉडी है लायन की? दो बॉडी है एंड वन माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर. ऐसे बीच में एक माउथ होगा, आजू बाजू शेर की दो बॉडी है. ठीक है ना, ऐसे मतलब ऐसे एक बीच में वो सील होगा शेर का, एक इधर से बॉडी होगी, एक इधर से बॉडी होगी, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, चलो. One mouth in the form of a pillar has been carved, which in a single rock. कहाँ पे? एकदम single rock. चलो, हाँ, कर दे एक बार चेक. जो भी पढ़ने वाले लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम लेके आ रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद. वो बाजू में बाहर जाके चेक कर. बाहर जाके चेक कर क्या कनेक्ट हुआ, कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क पड़ा? कोई आवाज आ रही है? बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा? श्योर ना? चार्जिंग में रखा है. कोई फर्क पड़ा क्या आवाज से? नहीं, बेस्ट है ना. हाँ, मगर ये चलेगा, का कोई इश्यू नहीं है. इसको चार्ज करके करने के लिए रख दो और इसको भी बाद में. अच्छा सुनो, जो भी लाइव देख रहे अभी एंड आज के दिन के लिए हमारा एसएस टारगेट है, बोर्ड के जो भी पेपर थे 2020 से लेके अभी तक. हाँ,
वो सभी पेपर्स का ए सेक्शन और मैप के लिए लाइव आ रहा है, जिसको ध्यान देना है देना। बाहर के जो लोग हैं उनको ज्वाइन करना है तो उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट कर लेना। यस सर। किसी और को अपना पढ़ना तो पढ़ सकता है। जी सर। ठीक है ना। या रवि तो लाइव आ ही रहा है, उसके साथ शायद अमन, अमन के पास टाइम नहीं तो और कोई आ जाना। ठीक है ना, अकेला थक जाएगा। दिस इज सिग्मा एस्ट्रो, ये हो गया ना, हो गया। दिस इज सिग्मा एस्ट्रो, कर दो।